हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर सुधा स्वागत है आप सभी का क्लास एलेवंथ की हिस्ट्री में चैप्टर थ्री को हम लोग पढ़ेंगे एन अम्पायर अक्रॉस द थ्री कंटिनेंट्स की एक ऐसा साम्राज्य जो तीन महादेशों तक फैला हुआ था एंड अगेन ये वीडियो हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है यानी कि इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो में निपटा देंगे एंड जिस साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे थे यानी इस चैप्टर में हमें जिस साम्राज्य के बारे में पढ़ना है वो है द रोमन अम्पायर सारी चीज़ों को हम देखेंगे फ्रॉम द फाउंडेशन की किस तरीके से स्थापना करी जाती है देन किस तरीके से एक्सपेंड होता है देन वाई फर्गेशन की जो डिवीज़न हुआ था अम्पायर में वो किस तरीके से हुआ ईस्टर्न रोमन अम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन अम्पायर एंड देन डिक्लाइंस की अरबों का आक्रमण होता है देन फिर नॉर्दर्न यूरोप से वेंडल्स आते हैं उसको भी देखेंगे ट्राइबल्स आते हैं उसको भी देखेंगे सो so, हर एक चीज़ों को हम आगे कॉन्टेंट्स में देख लेंगे जितने भी हमारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं उसको फर्दर आपको एक और चीज़ बतानी यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स uh, के लिए लिंक दे दिया गया है एक हमारे ड्राइव का लिंक है वहाँ पे डायरेक्टली नोट्स अपलोडेड है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर ले या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स के मटेरियल हैं तो यू कैन फाइंड दैट टू एंड इवन उसके अलावा हमारे हमारे हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक तैयार करा है जिसमें कि आप इस जिस पर क्लिक करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं उनको आप यू नो रिवाइज कर सकते हैं उनको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं टू स्ट्रेंड योर रिविजन सो डोंट मिस आउट उसके बाद चलते हैं कॉन्टेंट्स पे कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं सो so, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमने जब पिछला चैप्टर छोड़ा था मे सिविलाइजेशन पे तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रोमन अंपायर तक कैसे हिस्ट्री पहुंची? इसके बीच क्या क्या चीज़ें हुई सारे इवेंट्स को टाइमलाइन के थ्रू समअप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ह्यूमैनिटीज जो है कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से उठ के रोमन अंपायर तक पहुंची है बीच में क्या क्या होता है पर्शियन अंपायर जूलियस जूलियसा सबको देखेंगे उसके बाद मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंस की रोमन अम्पायर के बारे में पढ़ने के लिए जो हमारे पास यू नो you know, मुख्य स्रोत हैं एविडेंसेस हैं सबूत हैं वो क्या क्या है टेक्स्ट को देखेंगे डॉक्यूमेंट्स या जो यू नो you know, जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिमेंस बच जाते हैं उसको देखेंगे उसके बाद शुरुआत करेंगे रोमन अम्पायर से रोमन अम्पायर शुरुआत में कि किस तरीके से किंगडम के रूप में स्थापित होता है छोटी सी एक मोनार्की होती है देन रिपब्लिक में तब्दील होता है देन डिवीज़न देखेंगे कि रोमन अम्पायर को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं पहले अर्ली रोमन अम्पायर देन लेटर रोमन अम्पायर फिर उसमें से लेट रोमन अम्पायर में से भी एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न रोमन अम्पायर बनता है देन उसके बाद द अर्ली अम्पायर की जो सबसे पहला अम्पायर स्थापित किया गया था ऑगस्टस के द्वारा उसको किस तरीके से इस्टैब्लिश करा जाता है आर्मी कैसी थी जोग्राफी कितने यू you नो know, दूर तक फैला हुआ था अम्पायर फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता था क्योंकि अंपायर बहुत बड़ा था वेन आई विल शो यू द मैप तो आपको रियलाइज होगा कि ये इस अंपायर को रूल करना वॉज द टफेस्ट टास्क क्योंकि जितने भी हमने बड़े अंपायर के बारे में पढ़ना है पढ़ा है पीछे चाहे वो आप एसैरियन अंपायर हो चाहे मोरियन हो चाहे एलेक्जेंडर का भी उसको भी रूल करना कम्पेटिवली आसान था जब हम रोमन् के मैप को देखेंगे तब आपको ये अंदाजा लग जाएगा उसके बाद जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की रोमन अंपायर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एम्पायर जितने भी बड़े अंपायर हुए फ्रॉम यू नो you know, ब्रिटिश अंपायर टू तो एलेक्जेंडर का अंपायर टू मोरियन अंपायर टू गुप्ता अंपायर टू यू नो ऑटोमस टू मुगल्स एवरीबडी टू मंगोल्स तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है कल्चर में यू you नो know, uh, बहुत सारे डायरेक्ट्स बोलने वाले लोग रहते थे बहुत सारी अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते थे बहुत सारे अलग अलग यू नो सेटलमेंट्स में रहने वाले लोग रहते थे सो डाइवर्सिटी वॉज द डायवर्सिटी वॉज मोस्टली फाउंड इन रोमन एम्पायर आपको अगर बाकी सारे एपायर को अगर आप कंपेयर करेंगे एज कम्पेयर टू द रोम एम्पायर तो यू विल फाउंड की रोमन एम्पायर वॉज मच मच डायवर्स अदर्स उसके बाद इकोनॉमी कैसे चलती थी इसमें हम इन्वेस्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में आप ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल आज भी हम करते हैं सो so, कुछ ऐसे इन्वेशन हुए थे आज से दो हज़ार साल पहले जो हम आज भी यूज कर रहे हैं तो रोमन एम्पायर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटीज में उसको हम लोग देखेंगे उसके बाद स्लेवड़ी जो दास्ता थी उसको देखेंगे सोशल हायर किस तरीके से थी अपर क्लास में कौन से लोग आते थे मिडिल क्लास में कौन से लोग आते थे लोअर क्लास में कौन से लोग आते थे किस तरीके से यू नो डिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ का उसको भी देखेंगे देन लेट एंटीक्विटी यानी कि उसके बाद अर्ली एम्पायर के बाद का जो एरा है उसको हम लोग लेट एंटीक्विटी कहते हैं यू नो मोस्टली थर्ड सेंचुरी सी के बाद का जो रोमन अंपायर है उसको हम लोग लेट एंटीक्विटी की हिस्ट्री में गिनते हैं सो so, उसमें थर्ड सेंचुरी में एक क्राइसिस आई थी यू you नो know, इस तरफ से पर्शियन इन्वेट कर रहे थे ऊपर से नॉर्दर्न ट्राइबल इन्वेट कर रहे थे फिर कॉन्स्टेंटाइन एक बहुत बड़े एम्पायर हुए थे जिन्होंने एक अलग सिटी बताई बसाई थी कॉन्स्टेंटिनोपल करके आज जो सिटी को इस्तानबुल नाम से जाना जाता है देन फिर बाइफर्केशन होता है का किस तरीके से एम्पायर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है एक हमारा ईस्टर्न था एक वेस्टर्न ओमन एम्पायर द डिवेस्टेशन ऑफ वेस्ट रोमन एम्पायर की जो वेस्ट रोमन अम्पायर था उस किस तरीके से वो बर्बाद हो जाता है आफ्टर द अटैक्स फ्राम वेंडल्स आफ्टर फ्राम ट्राइब्स देन एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम की सातवीं शताब्दी के बाद इस्लाम किस तरीके से अपना एक्सपेंशन शुरू करता है सो रोमन एम्पायर उसका सबसे बड़ा शिकार बनता है इस्लाम के एक्सपेंशन का सो दैट वॉज द कंटेंट्स इसके बाद हम एक के बाद एक टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं सो so, शुरू करते हैं पोस्ट मिसोपटाम एरा से टाइमलाइन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री मिसोपिटामिया से चूँकि हमने पिछले लेक्चर में जो जब छोड़ा था तो मिसोपटामिया पे छोड़ा था तो वहाँ से किस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री रोमन एम्पायर तक पहुँचती है इसके बीच में जितने भी डेवलपमेंट्स उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे सो सबसे पहले शुरू करते हैं जो मेसोपिटाम सिविलाइजेशन में जो सबसे लास्ट अंपायर था वो था न्यू बेबी लॉनियन अंपायर हमने पिछले लेक्चर में जो हायरकी देखी थी जो टाइमलाइन देखा था उसमें सबसे लास्ट अंपायर था सीरियन लेकिन असीरियन अंपायर के कोलैप्स होने के बाद बेबी लॉन से ही कुछ लोग आके एसियन अंपायर के मेजर पोर्शन पे कब्जा कर लेते हैं इसको नियो बेबी लॉनियन इसी कहा गया क्योंकि इससे पहले भी ये जो 626 सौ छब्बीस में एक अंपायर बेबी से कुछ लोग आके जिन्होंने बनाया उससे पहले भी एक बेबी लॉन एग्जिस्ट करता था इसीलिए इसे नियो बेबी लॉनियनियनियनियनियन एम्पायर कहा गया यानी कि सेकेंड फेज ऑफ बेबी लॉनियन एम्पायर तो इस बेबी लॉनियन की स्थापना छह सौ छब्बीस में करी गई मेसोपोटामिया के यू नो मेजर पोर्शन में उसके बाद पाँच सौ उनचालीस के दौरान पर्शिया में एक नई किंगडम उभर के आती है एक नया अंपायर कैमेडिड अम्पायर उभर के आता है एंड इसके जो राजा थे इसके जो सम्राट थे साइरस साइरस वॉज अ ग्रेट एक्सपेंशनिस्ट बहुत बड़े साम्राज्यवादी अगर पर्शियन हिस्ट्री को देखेंगे तो साइरस का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है साइरस एक्सपेंशन करते हैं एंड उसमें में सुपटामिया के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा करते हैं उसमें बेबीलोनियन लॉनियन अम्पायर का भी एक मेजर पोर्शन आता था तो बेबीलोनियन लोनियन को सक्सीड करता है पर्शियन अंपायर जिसको कि पर्शिया में जो अंपायर था उसको कैमेडियड अंपायर कहते थे पर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उस क्षेत्र को हम पर्शिया कहते हैं इसीलिए वहां जितने भी अंपायर हुए इसको हम परसियन अंपायर कहते हैं सो so, पर्शियन अंपायर वो आके कब्जा करता हैलेग्जेंडर द ग्रेट का Conquest, 335 की हिस्ट्री में जितने भी एक्सपेंशनिस्ट हुए हैं एलेक्जेंडर उसमें सबसे बड़ा था एलेक्जेंडर का होता उसमें सबसे ऊपर था एंड तीन सौ पैंतीस बी सी के दौरान एलेक्जेंडर अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू करता है यू कैन सी द मैप मेसेडोनिया से शुरू करते हुए इधर लोअर इजिप्ट हॉन ऑफ अफ्रीका होते हुए फर्टाइल क्रिसेंट जॉर्डन पेलस्टीन इसराइल टर्की होते हुए मिसो के थ्रू ईरान कुवैत होते हुए मिडिल ईस्ट का भी कुछ इलाका छूता है देन वो फर्दर अफगानिस्तान में पहुँचता है सेंट्रल एशिया भी जाता है देन वो आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से आगे पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाकों तक का उनका अम्पायर फैल जाता है लेकिन अल्टीमेटली जो उनका अम्पायर था वो आके ब्यास रिवर के पास उसके बाद आके वो वहीं पर यूनो कन्फाइन हो जाते क्योंकि उसके बाद उनकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे वो लोग यूनो दस 12 साल से लगातार कॉन्पेस्ट चल रहा था मैं सडोरिया से, से शुरू करा था एंड ब्यास रिवर के पास इंडस यूनो रिवर के पास वो आके लगभग लगभग इंडस को छू ही दिया था उन्होंने तो वहाँ तक आके वो लोग यूनो तो सेना बहुत ज़्यादा थक जाती है एंड सेना कहती है कि सरकार अब हम आगे नहीं जा पाएंगे अब आपको बैकआउट करने की ज़रूरत है हमने पहले ही पीछे बहुत बड़ा अंपायर बना दिया हिर कसीद अंपायर जितना भी मरून कलर का आप इलाका देख सकते हैं वो एलेक्जेंडर का ही अंपायर है तो इतना बड़ा अंपायर हमने बनाया है चल के उसको आप गवर्न किया जाए वैसे डोनिया जाइए आप वहाँ पर राजधानी बसइए थे इसमें एंड उसके बाद वहाँ से गवर्न करेंगे हम पूरे इलाके को इसके बाद हमारा कॉन्क्वेस्ट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इंडिया में उस समय ना एक बहुत बड़ी किंगडम बना करती थी नॉट किंगडम अम्पायर नंदाज क्योंकि जब आप उस समय महाजनपद में बटा हुआ था इंडिया तो उसमें जो नंदाज थे ना मगध में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे तो अगर ये लोग इधर आते इंडिया में एंटर करते तो नंदाज इनका सामना होता एंड ये जो आर्मी है ये इतने दिनों से थकी हुई आ रही है मेसेडोनिया से इजिप्ट होते हुए इधर से टर्की इज़राइल जॉर्डन फ़लस्तीन ईरान इराक़ अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया होते हुए तो इनकी जो आर्मी पहले से ही थकी हुई थी एंड ऊपर से नंदाज इतने पावरफुल आर्मी से इनका जब सामना होगा जैसे पोरस की आर्मी तो उतनी ज्यादा पावरफुल थी नहीं क्योंकि छोटे से राजा थे वो लेकिन नंदा वेर वेरी पावरफुल उस समय मगध सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था एंड उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी तो नंदा से अगर उनका सामना होता तो वो टिक नहीं सकते थे इसीलिए उन्होंने सोचा कि बैकआउट करना ज्यादा सही होगा एंड दे बेसिकली बैकड तो बैक आउट तो बैकआउट करने के समय क्या होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको शायद ये चीज ना मालूम हो कि जब अलेक्जेंडर की सेना बैकआउट कर रही थी लाइक समझे कि यहाँ ब्यास तक पहुँच गई है उसके बाद वो पीछे जा रहा है वापस जा रहा है कह रहे कह रहे कि अब चले ग्रीस चले अब वहाँ से मैसेडोनिया से अब रूल किया जाएगा तो जो सेना थी उसमें बहुत सारे लोग रह गए यू you नो know, जहाँ जहाँ वो गए थे वहीं रहेगा कुछ लोग गांधार में सेटल हो जाते हैं कुछ लोग आप देखेंगे तो ब्यास के पास पीओ का इलाका जहाँ पे लद्दाख का कुछ इलाका वहाँ पे भी पड़ता है तो वहां तक अलेक्जेंडर की सेना आ चुकी थी तो कुछ लोग वहाँ भी रह गए तो जब आप लद्दाख घूमने जाएंगे कभी तो वहां पे आपको एक ग्रीक ट्राइब मिलेगी वो अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे उनकी जनरेशन है यानी कि उनके फोर फादर्स एलेक्जेंडर की आर्मी में काम करते थे एंड जब एलेक्जेंडर की आर्मी बैकआउट करके वापस जाती है मैसेडोनिया की तरफ तो उन्होंने जाने से मना कर दिया कहने लगे कि हमें ये जगह तो बहुत अच्छी लगी तो हम ये यहीं रहेंगे तो आप जब लद्दाख जाएंगे या पीओके में जाएंगे या वो जो अफगानिस्तान खुरासन का इलाका वहां पे आपको मिल जाएंगे ग्रीक एथरेसिटी के लोग वो आज भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं एंड उनका जो सेटलमेंट स्टाइल है वो भी कमोबेश वो आप कहेंगे तो आर्यस की तरह आर्यस भी जो मैसेडोनियन होते थे ना उनको आर्यन कहा गया था हालाँकि ऑडिटर पर बहुत ज़्यादा विवाद है लेकिन वैसे भी एक ही थी सो दैट वॉज अ सीनैरियो कि एलेक्जेंडर किस तरीके से बैकआउट करते हैं एंड जिस तरीके से एलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग जैसे गांधार में रह गए कुछ लोग आप देखें तो लद्दाख के इलाके में कुछ लोग परेशा में भी रहते हैं तो कुछ कुछ लोग रह गए उन्होंने बैकआउट करने से मना कर दिया तो जब ऐसे लोग रह गए ना उस जगह पर जहाँ जहाँ उन्होंने आक्रमण करा था कॉन्कर करा था वहाँ पर जब अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग रह गए तो वहाँ ग्रीक कल्चर एंड लोकल कल्चर का मिक्सिंग हो गया द ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीक एंड लोकल कल्चर एंड इसको हेलेनाइजेशन कहा गया हेलेनाइजेशन मींस ग्रीक कल्चर एंड वहां की जो लोकल कल्चर जैसे मान लीजिए कि लद्दाख में ग्रीक आर्मी के कुछ लोग रह गए तो उसमें वहां पे ग्रीक कल्चर एंड जो लद्दाख का जो लोकल कल्चर होगा वो जब मिक्स हुआ होगा ना उसको हेलेनाइजेशन कहा जाता है हेलेनाइजेशन इसलिए क्योंकि ग्रीक को लोग हेलेंस कहते थे तो हेलेंस के साथ जब हमारा कल्चर मिल गया उस प्रोसेस को हेलेनाइजेशन कहते हैं तो बहुत से इलाके में आप देखेंगे इवन की पर्शिया के मेजर लैंड में आप देखेंगे आज भी कुछ कुछ जगहों पे आज तो हालांकि जब इस्लाम रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से तो लगभग लगभग पूरी की पूरी जो रेमिनेंट्स है ग्रीक के उसको ख़त्म कर दिया गया था लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप आज भी आपको मिल जाएंगे कि कुछ लोग ऐसे ग्रीक स्टाइल के कपड़े पहनते हैं या उनका जो इथनेसिटी है खाने का तरीका या आप कह लें कि उनकी जो फिजीक होगी वो भी उस समय के यू नो मैसेडोनिया के लोगों जैसे मिलती होगी तो आप ये चीज़ लद्दाख में भी पाएंगे कांधार में भी पाएंगे सेंट्रल एशिया में भी कहीं कहीं पाएंगे सो ये हेलनेशन ही है कि ग्रीक के ग्रीक आर्मी कुछ लोग वही रहेगा एंड वहाँ पर उन्होंने लोकल कल्चर के साथ मिक्स कर लिया क्योंकि वहीं पर शादी करके अपना जनरेशन बसाया तो ये सारा जो कल्चर था ग्रीक कल्चर लोकल कल्चर मिक्स हो गया इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेलेनाइजेशन तो हमने देखा एलेक्जेंडर का अंपायर देन उसके बाद क्या होता है अच्छा एलेक्जेंडर के अंपायर के एक बार मैप फिर से देखते हैं यहाँ पे आप एक छोटी सी सिटी है रोम करके अभी ये इतनी प्रॉस्पेरस नहीं हुई है जितना कि अभी अभी हम जानते हैं क्योंकि अभी तो रोमन एम्पायर बना भी नहीं है अभी तो एलेक्जेंडर का ही राज चल रहा है लेकिन एलेक्जेंडर के एरा आने से कुछ समय पहले ही रोम में एक छोटी सी मनैर की छोटा सा एक राजशाही स्थापित हो गया था इस ये राजशाही ज्यादा फैली नहीं थी छोटी सी थी रोम में ही या छोटे मोटे इलाकों में उसके आस के इस मोनार्की से बाद में फिर एक रोम रिपब्लिक बनता है रिपब्लिक में क्या चीज़ थी उसको हम आगे देखेंगे मोनार्की के भी फीचर्स को आगे देखेंगे हालांकि मेरा संदर्भ यह था कि रोम पहले मोनार्की थी फिर रिपब्लिक बनी एंड रिपब्लिक में ही एक वॉर जनरल आते हैं अम्पायर नहीं ध्यान रखिएगा वॉर जनरल जो बाद में डिक्टेटर बन जाते हैं जिनको कि रिपब्लिक से पसंद नहीं था वो चाहते थे कि रोम एक अंपायर में तब्दील हो जैसा कि अलेक्जेंडर ने अम्पायर बना था वैसे ही रोम भी एक अम्पायर बना उस शख्स का नाम था जूलियस सीजर जूलिया सीजर फर्स्ट सेंचुरी बी के सबसे बड़े पर्सनलिटी हैं एंड जूलिया सीजर रिपब्लिक के समय में आए थे हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ही वॉज द एम्पेयर ऑफ रोम लेकिन वो ऐसा नहीं था वो अंपायर नहीं थे उस समय में रिपब्लिक ही रोम पे शासन करती थी जूलियस सीजर एक डिक्टेटर के रूप में इन्होंने रिपब्लिक के खिलाफ बगावत कर दी एंड ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन भी लीड करता है देखिए आप रिपब्लिक के बिहार पे क्योंकि वॉर जनरल थे सेना में काम करते थे बहुत बड़े कमांडर थे तो देखिए कितनी दूर तक एक्सपेंशन करता है रोम जहाँ छोटी सिटी यहाँ पे है यहाँ से स्पेन पॉचुगल फिर इधर आप देखेंगे तो जॉर्डन फलस्तीन का इलाका फिर नीचे आप देखें तो लीबिया एंड इजिप्ट के कुछ इलाके ऊपर आप देखेंगे तो इंग्लैंड तक पहुंच जाते हैं इंग्लैंड जर्मनी तक तो ये सारी चीज़ें इतने इतना बड़ा अचीवमेंट जूनी सीजर ने अपने दम पे अचीव किया क्योंकि रिपब्लिक इनके खिलाफ होती थी एंड ये चाहते थे कि रिपब्लिक को हटा के एक रोम को अंपायर में तब्दील करा जाए जो कि इनके जीते जी होना सका क्योंकि जब ये रिपब्लिक के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं तो रिपब्लिक एक बॉडी के द्वारा रूल की जाती थी सीनेट जैसा कि हमारे जो देश है वो पार्लियामेंट के द्वारा रूल किया जाता है रूल मतलब यहाँ पे जो भी कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है वैसे सीनेट होती है वहाँ पे तो सीनेट के खिलाफ जब ये बगावत करते हैं तो इनको इनको फिर इनको फिर स्टैब कर दिया जाता है स्टैब में से इनको फिर मार दिया जाता है तो ये भी एक बहुत बढ़िया ड्रामा है जो शायद शेक्सपियर ने ही लिखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बहुत बढ़िया ड्रामा है कि जो किस तरीके से जूलियस सीजर को उसी का जो लॉयल फ्रेंड है वो मारता है और उसी के लॉयल लोग मारते हैं सो दैट वॉज अरियो जूलियस सीजर एक्सपेंशन करते हैं वॉर जनरल थे लेकिन अंपायर नहीं थे ठीक है इनके समय में रिपब्लिक ही थी रोम सीनेट का ही शासन चलता था लेकिन जूलियस सीजर के जो लड़के होते हैं ऑगस्टस 27 सेवन बी में वो रोम को एक अंपायर में तब्दील करते हैं कहते हैं कि अब कोई सीनेट यूनिट नहीं है अब सीनेट से शासन छीन के हमने अपने ऊपर रख लिया है क्योंकि हमारे पापा यही चाहते थे एंड हमने आज से 27 सेवन बी से रोमन अम्पायर की फाउंडेशन रख दी ऑगस्टस नाम उनका ऑगस्टस था अच्छा उनको पहला उनका जो पहला नाम था वो ऑक्टेवियन था बाद में जब वो अंपायर बनते हैं तो उनको ऑगस्टस नाम से जाना जाता है तो ऑगस्टस इन 27 सेवन बी सी लेड द फाउंडेशन ऑफ रोमन अम्पायर उससे पहले रोम एक रिपब्लिक हुआ करती थी उससे भी पहले एक मोनारकी थी अब रोमन अंपायर पहली बार बना क्योंकि हमने देख लिया कि इतना बड़ा मैप जब है तो कोई ना कोई एक अम्पायर तो बनेगा ही अल्टीमेटली तो सीनेट के हाथों से सत्ता छीन के ऑगस्तस अपने हाथों में रखते हैं इसीलिए जब हम रोमन अम्पायर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो रोमन अम्पायर था वो ऑगस्तस ही था

तो वहाँ पे जब उनको ये पता चला कि एलेक्जेंडर ने बहुत कम बीस अट्ठाईस सत्ताईस साल की उम्र में इतनी बड़ी टेरेटरी जीत ली थी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रनिस्ट होते हैं ये भी इरादा कर लेते हैं कि आई विल कॉन्कर द टेरेटरी टू इनका भी यू नो पर्पस यही था कि ये भी एशिया में कॉन्कर करे जिस तरीके से एलेक्जेंडर ने करा लेकिन ये एशिया तक नहीं जाते हैं लेकिन एशिया के विपरीत ये वेस्टर्न यूरोप में या आप कह रहे तो नॉर्थ अफ्रीका में बहुत बड़ा एक यू नो भूभाग को जीत के रख लेते हैं तो जूलियस सीजर भी एक अगर एलेक्जेंडर के यू नो लेवल पर ना रखे तो एलेक्जेंडर के यू नो ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकते आप जूलियस सीजर को तो जूलियस सीजर वॉज अगेन अ अग बिग अचीवर अगर आप यूरोप में बात करेंगे वॉर जनरल्स की तो एलेक्जेंडर का नाम जूलियस सीजर का नाम नेपोलियन का नाम इन तीनों चार लोगों का नाम बहुत ऊपर आता है सो दैट वॉज द पोस्ट मेसोपोटामियन पटामिन इरा एंड उसके बाद ट्वेंटी सेवन बी सी में जूलियस सीजर का जो लड़का था ऑगस्टस उसने सीनेट को फारिग किया एंड कहा कि अब से ये जो रोम है वो रिपब्लिक नहीं है भाई अम्पायर है एंड आई एम द एम्पायर एंड क्या होता है उसको भी हमने देखा अगर आपको ये चीज़ें यू नो प्रैक्टिकली विजुलाइज करनी है तो यू कैन गो टू लद्दाख वहां पे आपका बहुत सारे ग्रीक इथनीसिटी के लोग मिल जाएंगे तो आप वहां जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं यू कैन सी द रोमन अंपायर मैप देखे जब रोमन अंपायर अपने चरम पे था वन हंड्रेड एडी में वन वन एडी में तो देखे रोमन अम्पायर कितने देशों तक फैला था थ्री कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका यूरोप एशिया सो so, यहाँ आप देखें तो इंग्लैंड से लेके नीचे स्पेन पॉर्चुगल इधर आप मोरक्को से लेके अल्जीरिया अलजीरिया टूनिशिया इजिप्ट लीबिया के इलाका दैन फिर जॉर्डन पैलेस्टाइन तुर्की लेबनान मिसो पोटामिया जो कि आज का इराक़ पड़ता है फिर यू नो कुबैत के इलाके फिर ईरान के भी कुछ इलाके फिर मडल ईस्ट के भी कुछ इलाके डेजर्ट के कुछ इलाके एंड इस तरफ जो पड़ता था रोमन अम्पायर के ईस्ट में वो था पार्थियन अम्पायर पर्शिया में एक नए अंपायर का उदय हुआ था पार्थियन अंपायर एंड ये पार्थियन एंड रोमनस वेयर आर्क राइवल बहुत बड़ी इनकी राइवलरी चलती थी पार्थियन अंपायर और रोमन अम्पायर की पार्थियन अम्पायर के बाद एक अंपायर इसको सक्सीड करता है इसके बाद ससैनियन आते हैं ससैनियन से भी रोमन्स की बहुत बड़ी राइवलरी चलती है बहुत दिनों तक ससैनियन से भी तो बेसिकली अब कहे तो पर्शियन अंपायर एंड रोमन अम्पायर, अम्पायर. पर्शिया में दो अम्पायर तब तक रूल करती है पार्थियन एंड देन ससैनियन इन दोनों से जो रोमन्स थे उनकी बहुत तगड़ी राइवलरी चलती है एंड ससैनियन वॉज वन ऑफ द रीज़न कि रोमन अम्पायर का कोलैप्स होता है तो ये भी हम आगे चल के जब डिवेस्टेशन देखेंगे उसको देखेंगे नाउ हम जब ये रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस क्या हैं? तीन यू नो सोर्से में पहला तो टेक्स्ट हो गया दे डॉक्यूमेंट्स देन मेटेरियल एमेंस टेक्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या आती हैं मेटीरियल इमेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तीनों को देख लेते तो टेक्स्ट में सबसे पहला आता है मेरे पास लेटर्स जो भी पत्र लिखे गए थे स्पीचेस सरमनस यानी कि होली सरमन्स जो अनुष्ठानों के समय बोला जाता था वो एनल्स एनल्स मीन्स की जो uh, सालाना ब्यौरा होता था ना चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का हो चाहे यू नो इकोनॉमिक्स का हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो तो एनल्स मीन्स की एनुअल रिपोर्ट एनल्स मीन्स एनुअल रिपोर्ट सालाना ब्यौरा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है काम करते हैं documents, documents वैसे दो चीज आती है एक इंस्क्रिप्शन होता कि है कि शिवालिक जिसको कहते हैं पत्थरों पर चीजें लिखी जाती है खोद के लिखी जाती है प्लांट लाइक like एक घास टाइप का पौधा होता था नील नदी किनारे ज्यादा मिलता था तो इजिप्ट में देखेंगे एंड इजिप्ट वॉज अगेन पार्ट ऑफ हमने मैप में तो देखा था, तो पेपरस बहुत भारी मात्रा में इजिप्ट के नील नदी में पाया जाता था नील नदी यू you know, नो नॉर्थ अफ्रीका की बहुत बड़ी यू you नो know, एक कहें तो लाइफ लाइन मानी जाती है सो so, नील नदी में आप देखेंगे तो उसके किनारे एक छोटे छोटे घास पाए जाते थे तो उनको पेपरस कहा जाता था तो पेपरस वॉज द एशियंट फॉर्म ऑफ पेपर जिसमें कि हम लोग लिखते थे क्योंकि हमको हमने मेसोपोटामिया में जब पढ़ा था तो वहाँ पे हम क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे इन मेसोपोटामिया वी टू यू नो राइट ऑन द क्ले टैबलेट्स उस पर पहले उसको भींगाया जाता था फिर उस पर लिख के फिर सुखाया जाता था ताकि वो टाइट हो जाए ये एक यू you नो know, पेपरस का एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें तो बनाई गई है एक स्क्रिप्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है सो पेपरस वॉज नथिंग बट अ रीड लाइक प्लांट रीड मतलब घास टाइप का पौधा होता था थोड़ा सा चौड़ा उस पर लिखा जा सकता था तो एंड पेपरस पे हर कोई लिख नहीं सकता था क्योंकि सबसे पहले तो लिटरेसी मतलब लिखना एंड पढ़ना सबको नहीं आता था देन पेपरस पे लिखना अपने आप में एक स्किल हुआ करता था तो एक खास कम्युनिटी होती थी पेपरलॉजिस्ट की वो लोग जो यू नो पेपरस पे यानी कि वो जो पौधा था, था उसपे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स Uh, you know, तैयार करते थे लेटर्स लिखते थे उनको पेपरोलॉजिस्ट कहा जाता था या उनको अगर अदर टर्म में कहा तो स्क्राइब भी कहा जाता था प्रोफेशनल स्क्राइब्स स्क्राइब्स मीनस लिपिक जो लिखते हैं दूसरों के बिहाफ पे इंडिया में भी, भी बहुत दिनों तक ये चीजें चली थी क्योंकि आप जब आज से सत्तर पचहत्तर साल पहले जाएंगे तो उस समय पोस्ट हुआ करते थे टेलीग्राफ्स हुआ करते थे लेकिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो दे यूज टू गो टू द स्क्राइब्स वो लिखते थे यू you नो know, उनके बिहाफ पे चिट्ठिया लिखा करते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखा करते थे अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक जब आप जमीन की रजिस्ट्री करवाएंगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत सारे बहुत सारे जगह पे उर्दू में होती है तो अगर हमें उर्दू नहीं आते तो हम क्या जाते हैं? किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो उसको भी स्क्राइब ही कह सकते हैं रिमेन्स में क्या आता है सबसे पहले बिल्डिंग्स जो बची हुई हैं उस समय की मोनोमेंट्स जो हैं पॉटरी बेसिकली एक स्टोन होता था उसमें मल्टी कलर्ड स्टोन होता था आपने देखा होगा ताजमहल में बहुत ज्यादा इसका यूज करा गया है Mzak एक मल्टी कलर्ड स्टोन होता था यानी कि बहुत सारे कलर से मिलकर एक स्टोन बनता था एंड बहुत खूबसूरत लगता था देखने में सो दीज यू नो रिमेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस उससे हम पता लगाते हैं अच्छा ये यहाँ पाई जाती होंगी ये इतने साल पुरानी है कार्बन डेटिंग मेथड्स के थ्रू तो दैट वेयर द मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंस वेन वी टॉक अबाउट रोमन अम्पायर उसके बाद हम रोमन अम्पायर की हिस्ट्री शुरू करते हैं हमने टाइमलाइन देखा हमने ये देखा कि किस तरीके से मनारकी सबसे पहले आती है द रिपब्लिक दन अम्पायर बनता है तो रोमन अम्पायर की फाउंडेशन जो रखी गई थी मनारकी के रूप में रखी गई थी इनिशियली द रोम वॉज मनैरकी एक राजशाही थी एंड देखिए जब मनारकी के बारे में हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि मनैरकी स्थापित करी गई थी आठ सेंचुरी बी में यानी कि ईसा के जड़म से 800 साल पहले तो हालांकि उस समय की उतनी हिस्ट्री हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है एविडेंसेस नहीं है तो हम बेसिकली ये जो मोनार्की के बारे में जानने के लिए जो रोमन माइथोलॉजी है ना उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी ये जो मोनार्की ये जो राजशाही है इसकी शुरुआत हुई थी रोम सिटी के बनने के साथ रोम सिटी बनती है सेवन फिफ्टी में यहाँ आप देख सकते हैं रोम सिटी के एनशियट यू नो रेमेंट्स ये जो अवशेष हैं तो सेवन फिफ्टी में कहते हैं ईसा के जन्म से साढ़े साल पहले यू नो रोम सिटी बनाई जाती है और उसी के साथ मोनार्की की शुरुआत होती है रोम में एक छोटी सी राजशाही बनती है रोम को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था एक कहावत भी है कि रोम वज नॉट बिल्टर द डे ये मोटिवेशन के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम एंड रोम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगनजा बनता है एक्स्ट्रा वैगन्जा में इस इतना ज़्यादा इसकी ग्लोरी होती है इतनी ज़्यादा कि लोग दूर दूर से रोम को देखने आते थे एंड दूसरे सिटीज़ को रोम से कंपेयर किया जाता था वेन वी टॉक अबाउट विजयनगर वेन वी टॉक अबाउट दिल्ली तो इन सब को कम्पेयर किया जाता था रोम से कि ये रोम के कम्पेटिवली किस कहाँ टिकती है सो अगेन नोट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो मोनार्की से रिलेटेड हिस्ट्री है तो उसके बारे में हमारे पास एविडेंसेस कम है सो लिटिल एविडेंस इज अवेलेबल अबाउट द अर्लीस्ट फेज ऑफ रोमन हिस्ट्री एंड अर्लीस्ट फेज कौन सा है मोनार्की वाला तो हम उस फेज को यू you नो know, जानने के लिए माइथोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं यू कैन सी द यू नो रोम उसके बाद रिपब्लिक ऑफ रोम मोनार्की को रिपब्लिक ने रिप्लेस कर दिया इन फाइव हंड्रेड नाइन बी सी मोनार्की वॉज रिपब्लिक रिपब्लिक क्या था बेसिकली आज जैसा कोई रिपब्लिक नहीं होता था आज के टर्म में अगर रिपब्लिक की बात करेंगे तो रिपब्लिक वो सारे देश है जहाँ पे लोग अपना जो हेड होता है उसको खुद चुन सकते हैं लाइक like इंग्लैंड में इंग्लैंड में एक जो हेड है वो इनहेरिटेंस पोजीशन है लाइक like, क्वीन uh, के बाद किंग आएंगे तो उसमें कोई अपने आप से चुन तो नहीं सकता ना जन कुछ चुन तो नहीं सकती ना जनता सो so, इंग्लैंड uh, को रिपब्लिक नहीं कह सकते इवन तो इट इज़ अ डेमोक्रेसी लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया इज अ रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेसी इंडिया में हम अपनी सरकार भी खुद चुनते हैं और हम अपने हेड ऑफ द स्टेट को भी खुद चुनते हैं लेकिन प्रेसिडेंट uh, को भी हम खुद ही चुनते हैं इंडरेक्टली खुद ही चुनते हैं क्योंकि हम जिनको भेजते हैं राज्यसभा लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वही तो बाकी आगे चल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं ना सो दैट वी कैन से दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक लेकिन ऐसा रिपब्लिक उस समय में नहीं था यह ना सोचे कि उस समय लोग अपने हेड को चुनते थे इसलिए रिपब्लिक ऑफ रोम को रिपब्लिक का नाम दिया गया ऐसा नहीं था रिपब्लिक ऑफ रोम वॉज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन जिसमें कि एक सीनेट नाम की होती थी जो रूल करते थी सीनेट में जो थे ना जो वेल्थी फैमिलीज होती थी जो नोबेल्टी होते थे जिनके पास जमीनें ज्यादा थी जिनके पास, पास रिसोर्सेज ज्यादा थे वो सब बैठते थे सीनेट में सीट होती थी हजार के करीब एंड डिपेंड करता था हजार तो आप कहें तो थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास थी उससे पहले कम हुई होंगी तो सीनेट में क्या होता था नोबेल्टी बैठा करती थी सब लोग नहीं बैठते थे आज जैसे संसद में देखे तो किसी भी तबके के लोग आपको मिल जाएंगे दलित भी मिल जाएंगे यू नो हिंदू में मिल जाएंगे मुस्लिम भी मिल जाएंगे ईसाई भी मिल जाएंगे क्रिश्चियन भी मिल जाएंगे तो हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा उल्टा हमने तो रिजर्वेशन भी दिया है हमने तो ये भी कोशिश करी है कि वुमेंस को रिजर्वेशन दी जाए कि वो आके पार्टिसिपेट करे जाए यू नो लॉ मेकिंग प्रोसेस में तो लेकिन सीनेट में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था सीनेट में जो भी वेल्दियस्ट फैमिलीज होती थी नोबेल्टी होती थी जिनके पास ज्यादा ज़मीनें हैं ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो आके वहाँ बैठती थी सीनेट में जो यू नो अपॉइंटमेंट होती थी वो लाइफ लॉन्ग होती थी ऐसा नहीं कि छः सात साल का ट्रेनिंग है उसके बाद आप फारिग कर दी जाएंगे एक बार आपने आ, आपको सीनेट के लिए अपॉइंट कर लिया गया तो आप यू नो लाइफ टाइम के लिए आप सीनेटर बन गए तो सीनेट जो थी ना वो आप इस तरीके से कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ रोम क्या था रूल ऑफ द सीनेट एंड सीनेट में कौन लोग बैठते थे वेल्दी फैमिली सो वी कैन से दैट द रिपब्लिक ऑफ रोम रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ नोबेल्टी क्योंकि सारी चीज़ें तो नोबल्टी ही डिसाइड करेगी क्योंकि सीनेट में नोबल्टी ही बैठती थी एंड ही तो रिपब्लिक ऑफ रोम को रूल करती थी ना क्योंकि रिपब्लिक ऑफ रोम को रोम को रूल करने के लिए क्या था सीनेट रिपब्लिक के नीचे क्या आता था रिपब्लिक बेसिकली वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसमें सीनेट बॉडी होती थी एंड सीनेट किन लोगों के द्वारा बनाई जाती थी जो वेल्दी पीपल होते थे जो वेल्दी फैमिलीज होती थी उनके लोग आके बैठते थे तो इस तरीके तरीके हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द रिपब्लिक ऑफ रोम रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी नोबिलिटी का शासन था उस समय हम कह सकते हैं क्योंकि सीनेट जो कि रिपब्लिक ऑफ रोम की मेजर लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे देखेंगे तो आप वेल्दी फैमिलीज के लोग हैं और उसमें भी इटालियन डिसेंट के शुरुआती दिनों में देखेंगे तो थोड़ा बहुत रोमन एम्पायर आगे के इलाकों में भी फैला हुआ था फ्रांस के इलाकों में या छोटे मोटे एथेस ग्रीक के इलाकों तक लेकिन उस समय भी सीनेट में जो दबदबा होता था वो इटालियन डिसेंट के लोगों का ही होता था हालांकि बाद में इसको कम किया गया बाद में फिर अलग अलग जगहों से भी सीनेट में लोग बिठाए गए स्पेन लाए जाते हैं नॉर्थ अफ्रीका लाए जाते हैं नीयर ईस्ट से लाए जाते हैं नीयर ईस्ट बेसिकली एक रीजन है जैसा जब आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि नियर ईस्ट किसको कहते थे नियर ईस्ट में जैसे आप देखेंगे ना तो मेडिटेरेनियन के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं चाहे वो पेस्टीन हो जॉर्डन हो इसराइल हो लेबनान हो उन सब को हम नियर ईस्ट में काउंट करते हैं सो ये सारे लोग बाद में इंक्लूड किए जाते हैं सीनेट में लेकिन शुरुआती दिनों में सीनेट बस इटालियन डिसेंट के लोग रहा करते थे उसके बाद सीनेट को रिपब्लिक को ओवर सीनेट को तो तुरंत हटाया दिया जाता है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट थी द रिपब्लिक को इंस्टिट्यूशन इट रिपब्लिक वाज बेसिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि सीनेट रूल क्या करता था सीनेट में बिल्डी फैमिलीज बैठती थी नोबिलिटीस बैठती थी, थी तो ऑगस्टस जो कि जूलियस सीजर के लड़के थे ऑगस्टस वॉज द सन ऑफ जूनियर सीजन वो क्या करता है वो कहता है कि रिपब्लिक आज से रोम नहीं रहेगा रोम को अब हम्पायर बना रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट अम्पायर ऑफ रोम सो अगस्टस वॉज द फर्स्ट अम्पायर ऑफ रोम एंड ही बेसिकली ओवर थ्रो द रिपब्लिक इन ट्वेंटी सेवन बी सी ई के ईसा के जन्म से सत्ताईस साल पहले अगस्त ने रोमन अम्पायर की नींव रख ली उससे पहले मनार्की आता है देन हमारे पास रिपब्लिक ऑफ रोम है देन ऑगस्टस ने किस तरीके से रोमन अम्पायर की नींव रखी हम आगे देखेंगे ब्रीफ में ट्वेंटी सेवन बी सी के आसपास वो रिपब्लिक को हटा देते हैं सीनेट को कहते हैं कि अब आप मेन गवर्निंग बॉडी नहीं है अब हम जो अम्पायर हैं ऑगस्टस है वो अब सारे फैसले को यूनो you know, हुक्म करेंगे सो दैट वॉज रिपब्लिक ऑफ रोम उसके बाद हम आते हैं Empire, रोमन अम्पायर पे देखिए रोमन अम्पायर की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रोमन अम्पायर तकरीबन 800-900 सालों तक चला है एंड यू नो जब बायफर्गेशन हुआ था उसके बाद के को जोड़ ले तो तकरीबन आप कहें तो पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर हमें जोड़नी है तो 1500 सालों तक की तो हिस्ट्री है रोमन अम्पायर की तो इस तरीके से हम रोमन अम्पायर को लगातार पंद्रह सालों तक तो पढ़ नहीं सकते तो हमने हिस्ट्री को कैटेगराइज करा है एक साथ तो हम पंद्रह सालों का इतिहास पढ़ नहीं सकते तो हमने क्या करा न कैटेगराइज करा फॉर आवर फिल फॉर आवर कन्वीनियंस तो सबसे पहली जो चीज़ आती है उसमें हमने सबसे पहले रोमन अम्पायर को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जैसा आपने अगर मुगल अंपायर के बारे में पढ़ा होगा जो कि डेढ़ सौ पौने दो सौ सालों तक एग्जिस्ट करता है तो एक हमारा ग्रेट मुगल अंपायर जिसमें कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक आते हैं एंड एक हमारा लेटर मुगल अम्पायर जिसमें कि बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह जफर तक के लोग आते हैं तो ऐसे ही एक अर्ली रोमन अंपायर था देन एक लेट रोमन अंपायर था अर्ली अर्ली रोमन अम्पायर ट्वेंटी सेवन बी सी से शुरू होता है क्योंकि रोमन अंपायर की शुरुआत ही ट्वेंटी सेवन बी सी से उससे पहले तो रिपब्लिक हुआ करता था देन उससे पहले मोनार्की हुआ करती थी तो ट्वेंटी सेवन बी सी से शुरू होके टू एटी फोर ए तक का जो सिलसिला यानी कि लगभग है तो थर्ड सेंचुरी सी एडी मतलब ईसा के जन्म के बाद एंड डोमिनी सो टू एटी फोर सी तक का जो रहा है उसको अर्ली रोमन अम्पायर कहते हैं देन लेट रोमन अम्पायर में टू एटी फोर ए के बाद जितना भी हिस्ट्री है यू नो अगर वेस्टर्न रोमन अम्पायर की बात करें तो पंद्रह सौ सालों तक का है पंद्रह सौ ए तक का है तो वो, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं अल्टीमेटली जो लास्ट में रोमन अम्पायर का पूरा तरीके से उसका यू नो निस्तनाबूद नबू कर दिया जाता है उसको तो फोर्टीन फिफ्टी थ्री में लास्टली आप देखें नॉट बी सी सी फ़ोटीन में फॉलअप कस्टेंटीना पल के साथ ये कस्ट क्या था वेस्ट ईस्ट रोमन अंपायर क्या था ये सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे तो ये रोमन अम्पायर की हिस्ट्री लास्ट करती है फोटीन तक उसके बाद नहीं उसके बाद अलग अलग ऑटोमोल्स आ जाते हैं मुगल्स है, आ जाते हैं सफेमेंट्स आ जाते हैं तो लेट रोमन अम्पायर टू फो टू एटी फोर ए डी से लेके फोटीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री सी तक का इसका वो आ, यू नो इसको ए डी को भी सी सी को भी ए डी लिख लेता है फॉर आवर कन्वीनियंस तो 284 एटी फोर एडी से लेके 1453 एडी तक की जो हिस्ट्री है उस वो लेट रोमन एम्पायर में हम पढ़ते हैं देन जो अर्ली सी ई से टू एटी फोर ए डी तक की हिस्ट्री पढ़ते हैं बेसिकली ऐसा वाईफर्गेशन इसलिए करा गया है क्योंकि एक 284 में एक अंपायर था डाइक्लेशन डाइक्लेशन गद्दी पे बैठते हैं तो क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं देन फिर लेट रोमन अम्पायर को भी फर्दर वाईफर्गेट किया गया इस एरा को भी चूंकि आप देखिए तो बारह साल का एरा है इसको भी हम बाइफर्गेट करते हैं कि टू एटी में उसके सौ साल बाद क्या होता है अंपायर दो पार्ट में बट गया टू एटी फोर के सौ साल बाद लगभग तीन सौ पंचानवे के आसपास अंपायर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है यू कैन सी द मैप ये जो इतना बड़ा अंपायर था हमने देखा था वो अब दो टुकड़ों में बट गया है तो यहाँ अगर आप स्केल में एक मिनट यहाँ अगर आप एक सीधी लकीर खींचे तो ये जो इलाका है इसके तो था वेस्टर्न रोमन अम्पायर ईस्टर्न रोमन अम्पार को ही बाइजेंटियम अम्पायर कहते हैं क्योंकि ईस्टर्न रोमन अम्पायर की जो राजधानी थी क्रिस्टेंटनोपल वो पहले वाइजेंटियमती थी. थी थी उस उस सिटी को बायजेंटियम कहते थे एंड फिर वेस्टर्न रोमन अम्पायर की राजधानी बन जाती है रोम एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी था बन जाती है एंड यही क्रस्टेंटिनोपल आज के टाइम में हम स्तानबुल इसी को कहते हैं क्रस्टेंटिनोपल पहले बाइजेंटियम था बाइजेंटियम से फिर क्रस्टेंटिनोपल इसलिए बनता है क्योंकि इसको एक राजा थे क्रिस्टेंटाइन वो बनाते हैं तो कॉस्टेंटाइन Constantin, जब क्रस्टेंटेपल बनाते हैं तो ये तकरीबन फोर्टीन तक लास्ट करता है उसके बाद क्रस्टेंटिनोपल पर टर्क का कब्जा हो जाता है ऑटोमस का कब्जा हो जाता है एंड उसके बाद क्रिस्टेंटेनोपल को इस्तानबुल नाम से जाना गया है सो दैट वॉज द सीनारियो कि हमने किस तरीके से देखा रोमन अम्पायर लॉन्ग लास्ट करता है रोमन अम्पायर किस तरीके से फर्दर किस तरीके से हमने रोमन अम्पायर को डिवाइड किया हिस्ट्री को यू नो सुलभ बनाने के लिए ट्वेंटी सेवन बी सी से टू एटी फोर ए डी तक का जो एरा है वो हमारा अर्ली रोमन अम्पायर है उसका टू एटी फोर ए डी से फोटी हंड्रेड फिफ्टी थ्री ए डी तक का जो एरा है वो हमारा लेट रोमन अम्पायर है एंड लेट रोमन अम्पायर में ही बेसिकली बाईफर्गेशन हो गया रोमन अंपायर दो पार्ट में बढ़ गया लेट रोमन अंपायर की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें दो अंपायर के बारे में पढ़ना पड़ता है क्योंकि ट्वेंटी फोर के बाद से जब इस इस इलाक को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके ठीक 100 साल बाद तीन सौ पंचानवे एडी के आसपास रोमन अम्पायर दो टुकड़ों में बट गया क्यों बटा था उसको आगे देखेंगे क्योंकि इतनी बड़ी टेरीटरी थी ना उसको गवर्न करना मुश्किल हो गया था लेकिन उसकी इतनी बड़ी टेरेटरी है एंड जब हम उस एरा के फिजिकल एंड पोलिटिकल सिचुएशन को देखेंगे तो आपको पता चला कि चारों तरफ से आक्रमण होना है इस तरफ से सैनियंस आक्रमण कर रहा है इस तरफ से ट्राइबल लोग आक्रमण कर रहा है नीचे से भी आक्रमण हो रहा है तो ये ज़रूरी था कि हम हमें सही से गवर्न करना है एडमिनिस्टर करना है तो हमें अब अम्पायर

तो द एम्पायर की जो स्थापना है 27 सेवन बी सी में हुई एंड ऑगस्टस करते हैं तो अर्ली एम्पायर इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला फेज था ये उसके बाद लेट एम्पायर कहता है ऐसा नहीं कि पहला एम्पायर ये था दूसरा एम्पायर एम्पायर एक ही है लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से हमने बांट लिया कि ये शुरुआती दिनों का एम्पायर है एंड उसके बाद 284 के बाद वो लेट मतलब बाद के दिनों का तो ऑगस्टस स्थापना करते हैं रोमन एम्पायर की ट्वेंटी सेवन बी सी में ऑगस्टस वॉज जूलियस सीजर एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अम्पायर उसके बाद जाने ऑगस्टस को क्या कहा गया प्रिंसिपेट कहा गया ऑगस्टस को प्रिंसिपेट कहा गया ऑगस्टस को बहुत जगहों पे आप देखेंगे तो अंपेयर नहीं कहा गया तो वॉजायर बट उसको प्रिंसिपेट कहा गया या कहें तो लीडिंग सिटीजन ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सीनेट में ना बहुत सारे लोग उस समय बैठते थे एंड सीनेट के ही अपने लोग हिस्ट्री लिखा करते थे हिस्ट्री जो लिखते हैं रोमन अम्पायर की उस समय की हिस्ट्री जो मिलती है अर्ली अंपायर के समय की तो जिन लोगों ने लिखा है वो सीनेट के ही लोग थे या उनका सीनेट के लोगों से बढ़िया कनेक्शन था तो वो अगस्टस को अंपेटर के रूप में नहीं देखते हैं ऑगस्टस को प्रिंसिपेट के रूप में देखते हैं लीडिंग सिटीजन यानी कि सारे सिटीजन एक है उसमें ऑगस्टस वाज फर्स्ट टू लीड यानी कि सीनेट भी एक है बाकी पॉपुलेशन भी एक है एंड ऑगस्टस वॉज द फर्स्ट टू लीड यानी कि जो भी दिक्कतें आएंगी पहले ऑगस्टस देखेंगे बींग द प्रिंसिपेट यानी कि पहले सिटीजन वो देश के वो है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति पहले सिटीजन होते हैं अमेरिका में भी राष्ट्रपति पहला सिटीजन होता है वैसे ही ऑगस्टस को लीडिंग सिटीजन और प्रिंसिपेट माना गया था तो ही वॉज अ सोल रूलर बट द टर्म प्रिंसिपेट वॉज क्वाइन आउट ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर सीनेट वो सोल रूलर वही थे थेडर वही थे लेकिन प्रिंसिपेट टर्म इसलिए यूज़ किया करा गया क्योंकि हिस्टोरियंस तो बहुत ज़्यादा तो खुद सीनेटर से हिस्टोरियन थे एंड जो बाकी छोटे मोटे हिस्टोरियंस थे वो सीनेट बैकग्राउंड से आते थे उनके और फादर और फोर फादर्स ने कभी सीनेट में काम किया था तो ये लोग अगस्तस को बहुत दिनों तक अंपेडर नहीं मानते हैं ये लोग कहते हैं कि ये प्रिंसिपेट है ये एक लीडिंग सिटीजन है ये फर्स्ट अमॉन्ग द ऑल है ये हमारा अंपायर नहीं है क्योंकि रोम में कोई यू नो you know, अम्पायर तो एग्जिस्ट करता नहीं रोम अभी भी रिपब्लिक रिपब्लिक है वो लोग अभी भी चाहते थे कि फिर से रिपब्लिक का शासन आ जाए बट डीप इन साइड एबी न्यू न्यू की ये जो रिपब्लिक का रूल है फिर कभी नहीं है क्योंकि ऑगस्टस वॉज वेरी मच डिटरमाइंड रिपब्लिक को हटाना एंड उसके बाद इस, इसके इसके सक्सेसर तो इस कत, हद तक पहुँच गए थे कि उन्होंने कहा था कि सीनेट को भी हटा देते हैं सीनेट का भी अब कोई काम नहीं यहाँ पे सारे के सारे अबी लोग आकर बैठते हैं एंड अनाप शनाप पॉलिसी बनाते हैं जैसे कि कोई रोमन अम्पायर का भला नहीं होने वाला लेकिन उसको भी आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रवर्सीज़ होती है देन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायर की थी उसमें सबसे पहले अंपैर आता था उसके बाद सीनेट के लोग आते थे देन आर्मी आती थी तीन इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी सबसे पहला अंपायर अंपायर बनने के बाद की उससे पहले तो रिपब्लिक में तो सीनेट ही सीनेट था उसके 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 अलावा कुछ नहीं था अंपायर बनने के बाद सबसे पहले अंपैर देन सीनेट सीनेट में कौन लोग आते थे जो नोबेल्टी होती थी जो वेल्दियस्ट क्लासेस होते थे जिन जो लैंड ओनर्स होते थे वो सारे लोग आते थे देन आर्मी जो फौज होती थी या जो ब्यूरोक्रेसी होती थी वो आती थी एंड एक चीज़ आपको यहाँ नोट करनी जरूरी है ये चीज़ हमने आपको बता दी कि मेरी हिस्टोरियंस ऑफ द रोमन एरा वेर ऑफ सीनेटोरियल बैकग्राउंड की वो सीनेटोरियल बैकग्राउंड के थे उसके फोर फादर्स ने सीनेटर में सीनेट पर काम किया था वो या वो खुद सीनेट के थे इसीलिए इट इज क्लियर दैट एम्पायर एंड द आर्मी वॉज जस्ट एज पर द दस्पेक्टिव ऑफ सीनेट की आर्मी एंड एम्पायर को जज किया जाना गया होगा एज पर द परस्पेक्टिव ऑफ सीनेट की जब हिस्ट्री लिखी गई है सीनेटोरियल परस्पेक्टिव से सीनेट के व्यू पॉइंट से तो ऑब्वियसली एम्पायर एंड आर्मी को उसी हिसाब से जज किया होगा क्योंकि सीनेट कभी नहीं चाहती थी कि यू नो अम्पायर बने कोई क्योंकि वो अम्पायर चाहते नहीं थी वो चाहते थे कि रिपब्लिक ही रहो एंड सीनेट को आर्मी से भी सख्त नफरत थी क्योंकि सीनेट हमारे ये मानते थे सीनेट के लोग कि आर्मी इज़ द सिंबल ऑफ वायलेंस आर्मी मतलब मारधाड़ तो हमें अंपायर भी नहीं चाहिए हमें आर्मी भी नहीं चाहिए तो ऑफर आप देखेंगे तो इनको क्रिटिसाइज भी करा जाता है के द्वारा दैट ओनली बिकॉज की जो हुआ करते थे तो वो बैकग्राउंड के थे यहाँ भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्रिंसिपेट का चूंकिसर था तो एम्पेडर कहना चाहिए था लेकिन वो उसको प्रिंसिपेट कहते हैं थे थे कि सीनेट से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता ऑगस्टस बड़ा नहीं है लेकिन ऑगस्टस इज द फर्स्ट सिटीजन टू टेक ऑन एवरी जो भी दिक्कतें आएंगी तो ऑगस्टस देखेंगे लेकिन अंपेडर वो नहीं है अभी भी कोई अंपेडर नहीं है लेकिन बाद में ये मे था कि ब्रेक कर दिया जाता धीरे धीरे लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रोम एक अंपायर बन चुका है एंड ऑगस्टर

उसके आर्मी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हमने तीन इंस्टीट्यूशन जो इंपॉर्टेंट है यानी कि जो एम्पायर था एंड जो सीनेट था उसके बारे में तो जानकारी हमें मिल चुकी है कि पहला एम्पायर ऑगस्टस हुआ करते थे उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली देन सीनेट हुआ करती थी जो जिसमें कुछ यू नो वेल्दीएस्ट फैमिलीज रूल किया करती थी बैठती थी उसमें पार्लियामेंट uh, you know, like उसके बाद आर्मी आती थी आर्मी को इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी तो आर्मी वॉज अच्छा आर्मी ऑफ द रूम नॉट कॉन्सक्रिप्टेड जब हम रोम की बात करते हैं तो रोम को ना रोम की जो हिस्ट्री लिखी गई है वो उसकी परीक्षा के साथ रेवल्यू को ध्यान में के लिखी गई है लाइक like जब हम इंडिया के बारे में कहते हैं तो इंडिया से दो तीन देशों को कंपेयर करके कहते हैं लाइक like अगर कहते हैं कि इंडिया के पास यू नो तो टू मिलियन टू मिलियन टन का कोल रिसोर्स है तो एज कंपेयर टू चाइना चाइना के पास मान लेते हैं तीन मिलियन टन का तो हम लोग ऐसा कम्पेरेटिव एनालिसिस करते हैं तो उस समय भी हिस्टोरियंस ने कंपेरेटिव एनालिसिस किया था रोम का रोम की आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन का तो जो कम्पेरिजन का कम्पेरिजन का मायना होता था वो होता था पर्शियन अम्पायर क्योंकि रोम एंड परशियान दैट बोथ वेर राइवल आर्क राइवर बहुत ही यू नो टक्कर के वो लोग कॉम्पटेटेड थे तो आर्मी जो थी रोमस की वो कॉन्स्क्रिप्टेड नहीं हुआ करती थी कॉन्स्क्रिप्टेड जैसा आप देखें तो पर्शियन अम्पायर में बहुत सारी आर्मी कॉन्स्क्रिप्टेड थी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी क्या होती है इसको एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ कॉन्सक्रिप्शन सो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी मीन्स एन इंस्टीट्यूशन वेर द मिलिट्री सर्विस फॉर ईच इंडिविजुअल इज कम्पलसरी होता क्या था जैसे पर्शियन अबार में हमने आपको बताया कि वहाँ पे कॉन्सक्रिप्टेड आर्मी होती थी तो वहाँ पे जितने भी मेल्स आते थे ना एडल्ट मेल्स आते थे तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आर्मी में सर्व करना ही होता था जैसा कि आज भी बहुत सारे देशों में ये पॉलिसी है लाइक इसराइल में है या चाइना में है बहुत सारे देशों में पॉलिसी है कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी सिस्टम की जितने भी मेल एडल्ट्स होंगे फीमेल एडल्ट्स भी इवन कह सकते हैं तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उनको आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा लेकिन रोमस के साथ ऐसा कोई सीन नहीं था कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी पर्शिया पार्थियन अम्पायर में लेकिन रोमन में कोई ऐसा झोल नहीं था रोमस की जो आर्मी थी वो पेड एंड प्रोफेशनल होती थी उनको पैसा दिया जाता था वो प्रोफेशनल्स होते थे एंड रोम आर्मी में जो थे ना वो ऐसा कोई कॉन्स्क्रिप्टेड सीन तो नहीं था लेकिन सोल्जर्स को 25 साल तक कम से कम सर्विस देनी पड़ती थी तो ये एक एडवांटेज था कि एक जो सोल्जर आ वो कम से कम पच्चीस साल तो देगा अंटे एलिस की उसकी डेथ हो जाती है किसी यू नो वॉर के दौरान उसके बाद आर्मी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बन जाती है ये आप देखें चौथवीं शताब्दी तक फोर्थ सेंचुरी सी तक फोर्थ सेंचुरी सी तक आप देखेंगे तो आर्मी द पॉपुलेशन ऑफ आर्मी ग्रो टू सिक्स लाख की छह लाख की इतनी बड़ी आर्मी होगी थी रोमन्स की एंड ये छह लाख लोगों को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक अचीवमेंट था क्योंकि उस समय देखे आप आज भी बहुत सारे देशों की आर्मी छह लाख की नहीं है तो उस समय अगर किसी देश के पास किसी अम्पायर के पास छः लाख की आर्मी है तो उसको किस लेवल की लीडरशिप चाहिए अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सो बाय द फोर्थ सेंचुरी आर्मी ग्रो टू द नंबर ऑफ सिक्स लैक एंड मेकिंग इट द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज बॉडी की रोमन अम्पायर में उससे बड़ी ऑर्गेनाइज बॉडी कुछ थी नहीं सीनेट में कोई कितने बैठेंगे हज़ार पंद्रह सौ या ब्यूरोसी में कितने लोग होंगे दो हज़ार तीन हजार लेकिन आर्मी में तो छः लाख लोग थे इतने तो बहुत पॉपुलेशन भी नहीं हुआ करती थी कितने कंट्रीज़ के उस समय उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चूंकि आर्मी इतनी ज्यादा बड़ी थी एंड आर्मी में कोई कॉन्स्क्रिप्शन नहीं था यानी कि कोई एक आदमी आ गया तो उसको मिनिमम पच्चीस साल सर्व करना ही करना तो ओबियसली क्या होता था कि आर्मी ये मानती थी कि हम अब डोमिनेट करने के पोजीशन में आ चुके हैं क्योंकि हमारी यू नो तादाद भी ज्यादा है एंड उसके साथ हम कोई कॉन्स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि हमारा टेन खत्म होने के बाद हमको बाहर निकाल दिया जाएगा तो और क्या करते थे ना जो आर्मी के सोल्जर्स होते थे वो अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए सैलरीज को बढ़ाने के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए एडिटेट क्या करते थे प्रदर्शन क्या करते थे तो उसको फिर सप्रेस भी किया जाता था, था तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैंडलिंग द आर्मी वॉज अ टफेस्ट टास्क क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी है एंड आपकी जो आर्मी है स्कैटर्ड है इतने बड़े भूभाग पर फैली हुई है कुछ कुछ लोग स्पेन में रह रहे हैं कुछ लोग पॉचुगल में रह रहे हैं कुछ लोग यू नो जॉर्डन फलस्टीन लेबनान इसराइल टर्की में रहना कुछ लोग नॉर्थ अफ्रीका में रह रहे हैं यू नो अल्जीरिया मोरक्को के इलाकों में तो जो अम्पायर्स होते थे अंपायर्स कहाँ रोम में तो जो अम्पायर्स होते थे उनका जो सक्सेस होता था वो डिसाइड करता था कि उनके आर्मी के ऊपर उनका कितना कंट्रोल है सो द सक्सेस ऑफ एम्पायर्स डिपेंडेड ऑन दियर कंट्रोल ओवर आर्मी के उनकी आर्मी के ऊपर जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उतने ज़्यादा वो सक्सेसफुल माने जाते थे नेक्स्ट इज़ जियोग्रफी ऑफ द अम्पायर अम्पायर की जियोग्रफी आखिर कहाँ तक पहुँच गई थी अम्पायर की जो जियोग्रफी है वो आखिर कहाँ तक पहुँच गई है सो हेयर यू कैन सी इन टिल फर्स्ट सेंचुरी बीसी सी की फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक जूलियस सीजर ने इस अंपायर को छोटी सी जो रिपब्लिक थी तभी तक तो, तो, तो अंपायर नहीं बना था इस छोटी सी रिपब्लिक को तीन कॉन्टिनेंट्स तक फैला दिया था यूरोप में तो ये बेस्ट थी उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका में भी जूलियस सीजर लेके जाते हैं देन द पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट फर्टाइल क्रिसेंट क्या होता है ना लेट मी शो इन द मैप ये हमारा रोमन अंपायर का पूरा मैप है यहाँ आप देखिए यूरोप नॉर्थ अफ्रीका एशिया तो तीन कॉन्टिनेंट्स तो हो ही गए तो जूलियस सीजर ने लगभग लगभग ऐसा ही मैप बना बनाया था क्योंकि उतने इतनी टेरिटरीज को वो कॉन्कर करके जाते हैं तो फर्टाइल क्रिसेंट किसको कहता है यूरोप में तो मोस्ट ऑफ द इलाका आप देखें नॉर्थ अफ्रीका का ये इलाका मल्जीरिया यू नो जो हमारे पास मोरक्को अल्जीरिया टोनीशिया है लीबिया इजिप्ट है वो सारे इलाके देन ये जो फर्टाइल क्रिसेंट है वो इसको बोलते हैं यहाँ पे अगर आप मैप में जूम करके देखें तो इस पोर्सन को फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं ये जो पोर्सन माना जाता है यू फर्ट से निकल के ऐसा करके क्रिसेंट मतलब होता है एक चांद ऐसा जब चांद होता है ना पूर्णिमा नवाश्य का तो ऐसा करके चांद होता है लाइक द रिंग अंगूठी की तरह तो इसको क्रिसेंट हम कहते हैं ये भी क्रेसेंट की तरह ही ये स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं तो तो यहाँ पे इस एरिया को फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है क्योंकि ये जो एरिया था एक तो क्रेशेंट शेप में था एंड देन ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था क्योंकि मेडिटेरेनियन के कोस्टल इलाके इधर ट्रेड से कमाते थे या एग्रीकल्चर से कमाते थे तो ये जो इलाके थे चाहे डिओक हो चाहे आप देख रहे होते तो नेवा हो चाहे एलेक्जेंड्रिया हो ये सारे बहुत फर्टाइल इलाके होते थे, थे क्योंकि ये फ़र्टाइल क्रेशेंट के अंदर आते थे उसके बाद अगर आप देखेंगे इन द फर्स्ट टू सेंचुरीज कोई मेजर एक्सपेंशन नहीं होता है क्योंकि पहले जूलियस सीजर एंड ऑगस्टस से करके गए तो कोई मेजर एक्सपेंशन नहीं करता है क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ा के क्या करेंगे क्योंकि हम रूल कर ही सकते जितना है उतना ही हमें रूल करने में मुश्किल आ रही है आगे चल के देखेंगे किस किस मुश्किल से ये लोग रूल करते थे लेकिन एक एक्सेप्शन है कि टारजन नाम का एक ट्रैजन नाम का एक अंपेयर था वो कॉन्क्वेस्ट करता है थोड़े दूर जाके योरेट्स में जैसे पिटाम कुछ इलाकों में कॉन्क्वेस्ट करता है एंड ये जो पार्थिया से कुछ इलाका था वो छीन लेता है लेकिन ट्राजन के पास अगर वो उतना ज़्यादा यू नो जवान नहीं था वो उतना ज़्यादा यंग नहीं था इसीलिए नहीं तो वो भी सोच रहा था कि काश आ, यू नो अगर हम भी अलेक्जेंडर जितना यू नो यंग होते तो हम भी अभी यू नो आई वुड हैव टू यू नो मार्क्स फॉर एशिया कि उसको उसकी उसकी भी एक ख्वाहिश थी कि वो एशिया को जीत सके एक दिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें पढ़नी है दैट इज पोलिटिकल स्टेबिलिटी इन अर्ली अम्पायर हमने जब आपको बताया कि फर्स्ट टू सेंचुरीज में कोई एक्सपेंशन हुआ नहीं है तो फर्स्ट टू वेरी स्टेबल बहुत ज्यादा शांत एंड फ्री फ्रॉम एनी सिविल वॉर्स, कोई सिविल वॉर्स नहीं होता था क्योंकि देखे जब भी रो मनार्की से रिपब्लिक आया ठीक है मनार्की से जब रिपब्बलिक आता है द रिपब्लिक से जब देखेंगे तो ये जब अम्पायर बनता है इस बीच में बहुत ज्यादा सिविल वार्स हुए थे रिपब्लिक जब थी तो वो उनका काम जो सही से नहीं लग रहा था तो वो सिविल वॉर्स करते हैं फिर जूनियर सीजर मजबूर होकर आते हैं एंड एज एन एज अथॉरिटी अपने आप को स्थापित करते हैं फिर बाद में उनको मार दिया जाता है असैसिनेट एसास, कर दिया जाता है उसके बाद आप देखेंगे तो एक तो मनार्की है रिपब्लिक है उसके बाद आप देखेंगे तो अम्पायर आ गया तो अम्पायर के पहले शुरुआती के दो सदियों में कोई भी यू नो एक्सपेंशन वो लोग नहीं करते बहुत अवॉइड करते हैं एक्सपेंशन करते हैं करने से क्योंकि उनके आसपास बहुत दिमाग वाले लोग रहते थे पहले से एंड उन्होंने कहा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एम्पायर में हमने ये भी चीज़ देखी कि एक ईयर को बस छोड़ के एक्सेप्ट सिक्सटी सी बाकी दो सेंचुरी जो शुरू किया है ट्वेंटी सेवन बी सी से लेके आप देखेंगे तो टू हंड्रेड बी टू हंड्रेड एडी टू हंड्रेड एडी या टू हंड्रेड सी तक सारे यू you नो know, हर एक ईयर वॉन्स स्टेबल ईच एंड एवरी ईयर फ्री फ्रॉम एनी सिविल सिविल वॉर मतलब क्या होता है जब जो लड़ाई है अपने ही भूक्षेत्र तो में छिड़ जाए एक बहुत सारे सारी जगहों पे आप देखेंगे तो अफगानिस्तान इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ़ सिविल वॉर्स वहाँ के ख़ुद के ही लोगों ने सिविल वॉर्स छेड़ दिया था श्रीलंका इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ़ सिविल वॉर्स वहाँ के खुद के ही लोगों ने यू नो अपने देश के अंदर इंटरनल स्ट्राइक बना लिया था तो ये सारी चीज़ें थी बाकी एक सिक्सटी नाइन सी को छोड़ के कोई भी कभी भी ना तो आप देखेंगे तो इंस्टेबिलिटी आई थी ना ही रोमन एम्पायर के ऊपर कोई कब्जा कर पाता है लेकिन आखिर सिक्सटी नाइन सी में होता क्या है क्यों हम इसको एज एन एक्सेप्शन ले रहे हैं तो सिक्सटी नाइन सी में अगर आप देखेंगे तो चार के बाद चार एक के बाद एक चार अंपायर गद्दी में बैठते है रोम की उनको फिर हटा दिया जाता है एक के बाद एक चार अंपायर गद्दी में बैठता है उनको हटा दिया जाता है क्यों क्योंकि देविन लेस कैपेबल अच्छा ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई थी क्योंकि सिक्सटी नाइन सी से पहले जो राजा थे नेरो नेरो नेरोज़ हाईली you know, आप कह रहे तो बहुत ज्यादा प्लेजर सेकिंग पीपल थे वो यूरो you know, गाना बताने में ज़्यादा विश्वास रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन में कम रखते थे तो नीरो के समय में स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स होगी एंड इसके डेथ के बाद इसने जो उत्पटांग चीज़ें करी थी उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुआ कि कोई भी अंपायर जो आता था वो ज़्यादा टिक ही नहीं पाता था क्योंकि नैरो के जाने के बाद एक सिविल वॉर छिड़ गया कि नो सुसाइड करते आगे चल के नेर कोई नेरो कोई मर दिया था वो जब सिविल वॉर चल रहा था तो वो सुसाइड करते हैं सो दैट वॉज अ सीनारियो उसके बाद आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो रोमन एम्पायर वॉज वेरी स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम एन वॉर्स एंड ये जो एज था ना ऑगस्टन का ऑगस्टन जितने दिन दिनों दिन तक शासन करता है उस एज को एज ऑफ पीस भी कहा गया ओनली बिकॉज ऑफ़ इट्स स्टेबिलिटी एंड इट वॉज फ्री, फ्री फ्रॉम एनी सिविल वॉर्स क्योंकि हम एक्सपेंशन तो कुछ कर नहीं रहे हैं एक्सपैनशन करेंगे तभी तो लफड़ा होगा ना एंड कोई अटैक करने के भी हमारे पास काबिल नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी तो हमने पहले ही फैला दी हालांकि बाद में क्या पता था कहीं से आएंगे कहीं से ऑटोम आएंगे एंड पूरी की पूरी एम्पायर को निकाल के ले जाएंगे उसके बाद लॉ ऑफ सक्सेशन की जो राजा था ना वो एक आदमी राजा कैसे बनता था जो लॉ ऑफ सक्सेशन सक्सेशन था वो कैसा था तो जो सक्सेशन होता था थ्रोड के लिए जैसे राजा के बाद कोई राजकुमार आएगा फिर राजकुमार वो राजा बनेगा सो ये सक्सेशन होता था वो फैमिली डिसेंट में होता था ऑब्वियसली किसी बाहर वाले को तो बिठाएंगे नहीं अपनी फैमिली में से किसी को बताएंगे बिठाएंगे तो उसमें भी जो इंटरटेन्स होता था वो नेचुरल होता था यानी कि अपने लड़कों को बिठाएंगे अगर कोई लड़का नहीं है तो वो अपने रिलेशन में से किसी एक को ले लेंगे एंड दे विल ट्रेन हिम तो ये सारी चीज़ें थी उसके बाद अगर आप देखेंगे एक एग्ज़ाम्पल कि जिसमें किसी यू नो नेचुरल इन्हरीटेंस वाले लोगों को नहीं एडोप्टिहरीटेंस वाले लोगों को यू नो नोपेर रहियर एडिस्टोक्रसी का दर्जा मिला तो टिबेरियस वॉज गुड एग्ज़ाम्पल कि ऑगस्टस की अपनी कोई संतान नहीं थी तो टिबेरियस के पास जाता है टिबेरियस के फादर के पास एंड टिबेरियस से टिबेरियस के फादर से टिबेरियस मांगता है टिबेरियस वॉज द यू नो सन ऑफ ऑगस्टस एडोप्टिव सन नॉट नेचुरल सन दैट वॉज द लॉ ऑफ नॉन हमें सब फैमिली डिसेंट ही मिलता था बड़ी फैमिली से तो मिलेगा नई फैमिली नई बड़ी फैमिली से तो नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें थी हमने रोमन एम्पायर की जोग्रफी देख ली पोलिटिकल स्टेबिलिटी देख ली आर्मी को देख लिया स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरीके से पहले अम्पैडर आता था, था। देन सीनेट आती थी देन आर्मी आती थी ये सारी चीज़ें हमने देख ली अब हम थोड़ी सी डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं हालांकि इस टॉपिक को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी सी जो डाइवर्सिटी थी रोमन अम्पायर में इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज उसको देखते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखें रोमन अम्पायर में वैसे बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती थी कॉप्टिक बोली जाती थी सेल्टिक बोली जाती थी एलमिक बोली जाती थी और लैटिन बोली जाती थी ग्रीक बोली जाती थी लेकिन उस सब में जो दो लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा प्रचलित थी एंड उन दोनों को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज लिया जाता था तो फर्स्ट वाज लैटिन सेकंड वाज ग्रीक ग्रीक को इसलिए लिया जाता था क्योंकि लोगों में जो हेलेनिस्टिक कल्चर था यानी कि जो अलेक्जेंडर ने इतना बड़ा अंपायर बनाया था एंड ग्रीक के कल्चर को पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाया था इसके लिए लोगों में बहुत रिस्पेक्ट था इंक्लूडिंग रोमन्स रोमन्स भी ग्रीक कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे इसीलिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो एक लैटिन हुआ करती थी एंड एक ग्रीक हुआ करती थी एंड आप देखेंगे तो जिस तरीके से अगर बाईफर्गेशन किया जाए तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींच दें तो इसके वेस्ट में जितने भी प्रोविसेज थे उसमें मोस्टली लैटिन बोली जाती थी क्योंकि रोम इस साइड आता है एंड इसके ईस्ट में जितने भी प्रोविसेज होते थे, इस भी थे उसमें ग्रीक बोली ग्रीक बोली जाती थी क्योंकि ये एथेंस और ग्रीस इस 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 साइड आता है सो ट्राइपोलिटेनिया के आप देखें तो वेस्ट में वेस्ट ऑफ ट्राईपोलिटेनिया लैटिन एंड द ईस्ट ऑफ यू नो सरानिका

तो एक हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ ली हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लॉ ऑफ सक्सेशन सारी चीजों को देख लिया फिर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं जिसपे भी हम जिस पे की हमने थोड़ी सी चर्चा पहले कड़ी हुई है राइवलरी विथ पर्शिया की रोमन्स एंड पर्शियंस वर द टू सुपर पावर्स एग्जिस्टेड साइड बाई साइड कि जो दो सुपर पावर साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती थी उस जमाने में वो रोमन्स एंड पर्सियंस थे इनका जो टेरिटरी था ना पर्शियन का वो आप देखें इन दोनों की कलेक्टिव टेरिटरी आप देखें यहाँ आप देखें तो अरेबियन सी से लेके अटलांटिक सी तक इन दोनों अम्पायर की शाखाएं फैली हुई है इन दोनों अम्पायर की जो बाउंड्री है वो फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन टू अरेबियन सी टू हिंद महासागर इंडियन ओशियन इतने दूर तक फैली हुई है अगर नॉर्थ में जाया जाए तो इधर भी आप देखें तो इंग्लैंड से लेके नीचे यहाँ देखें तो हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका तक है ठीक है और ईस्ट में यहाँ एरेबियन सी इधर अटलांटिक सो दैट वॉज द हमंग स्टेटी बींग रूल्ड बाई दिस बोथ हम्पायर सो फर्स्ट वाज रोमन अंपायर यहाँ आप देख सकते हैं ये बफर जोन इसलिए था क्योंकि इस समय इस जगह पे ज़्यादातर डिस्प्यूट हुआ करते थे कभी ये ईरानिय के कब्ज़े में जाता था ईरानियन मीस पर्शियन कभी ये ईरानिय के कब्ज़े में जाता था कभी ये रोमन एम्पायर के हिस्से में आता था तो एंड पार्थियन एमपायर उसके बाद टू टू ट्वेंटी फोर ए डी तक यह रहता है उसका टू थर्टी ए डी के बाद ससैनियन एम्पायर इस पूरे ए, एरिया को अपने कब्जे में ले आते हैं सो पार्थियन को सक्सीड कौन करता है ससानियन सो पार्थियन अंपायर की अगर आप टेरिटरी देखेंगे तो उज़्बेकिस्तान का कुछ इलाका ले लें आप नीचे इधर कैस्पियन सी से लेके यू नो ईरान के मोस्ट ऑफ द के भी कुछ इलाके को छूते हुए अफगानिस्तान तक फैली हुई थी टेरिटरी सो दैट वॉज अ जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ पर्शियन एम्पायर उसके बाद एज कम्पेयर टू रोमन अम्पायर पर्शियन एपायर वॉज लेस इज़ी टू इूल हमने ये देखा कि रोमन अंपायर में बहुत ज़्यादा डायवर्सिटी थी हमने पहले भी देखा था इंट्रोडक्शन में और आगे देखेंगे कि कितनी ज्यादा डायवर्सिटी रोमन अम्पायर में थी इन दॉर्म ऑफ जेंडर इन दम ऑफिटीज इन दम ऑफ कल इन दाम सेटलमेंट्स इन देंग्वेजेज इन दम ऑफ चाह फूड किसी भी चीज़ में आप ले तो डाइवर्सिटी थी क्योंकि इतने बड़े टेरेटरी पे वो लोग रूल कर रहे थे एंड इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया था यहाँ पे भी ट्राइब रहती थी यहाँ पे भी ट्राइब रहती थी तो ये लोग जीत जीत के सबको इकट्ठा करते हैं सो so, सारे सेटलमेंट्स का जब एक यू you नो know, अंपायर में मिलाप होता है तो डाइवर्सिटी तो ऑब्वियस हो जाता है लेकिन पार्थियन अंपायर एज कम्पेयर टू तो रोमन अम्पायर बहुत कम डाइवर्स था वहाँ पे मेजोरिटी जो लोग थे वो एक ही फेथ को मानने वाले होते थे वहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा सिस्टम नहीं था लेस डाइवर्स था एज कम्पेयर टू रोमन अम्पायर तो, तो इसलिए कह सकते हैं कि पार्थियन एम्पायर वॉज ईजी टू डू एज कम्पेयर टू रोमन अंपायर बिकॉज रोमन अंपायर वॉज वेरी डाइवर्स एंड देख ले तो स्कैटर्ड पार्ट हैं क्योंकि बीच में मेडिटेरेनियन आता है एजियन सी सी है ब्लैक सी है रेड सी है सो ये सारी चीज़ें थी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद हमें पढ़नी है कि देखें एक बार फिर से आप यहाँ मैप देख लें यहाँ रोमन अम्पायर को देखें कितना बड़ा यू you नो know, इलाका है इधर मेडिटेरेनियन है ये आपका ब्लैक सी एज सी एंड ये हो गया आपका रेड सी इधर अटलांटिक है तो आप खुद सोचें पार्चियन अम्पायर में एज कम्पेयरटिवली अगर रूल करने को कहा जाए तो बहुत आसान है क्योंकि एक ही साथ टुकड़ों में टेरिटरी नहीं बटी हुई है रोमन अम्पायर में टेरिटरीज टुकड़ों में बटी हुई है यहाँ पे आप देखें तो कुछ इलाका इधर से आता है ठीक है फिर यहाँ पे एक एक ये इलाका हो गया फिर इधर आप देखें तो यहाँ पे एजेंसी से लेकर टर्की का इलाका यहाँ तक जो मिडिल सेंट्रल एशिया तक जाता देन इधर फिर जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ फटाइल का कुछ इलाका तो ये जो टुकड़ों में बटे हुई थे ना ये टेटरीज तो इनको रूल कैसे किया जाता था और राजधानी जो थी रूम हमारी वो यहाँ पड़ती है तो यहाँ से पटर बैठ के इतनी दूर के इलाकों को कैसे रूल कर पाता था उसको देखते हैं हाउ द टेटरीज एंड हाउ द अंपायर वॉज बी गवर्ड तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैप देखें दिस इज द मैप ठीक है तो मैप में देखें तो मेडिटेरेनियन एजेंसी ब्लैक सी एंड दिस इज द नियर ईस्ट इसको नियर ईस्ट बोलते हैं नियर ईस्ट मतलब जो मेडिटेरेनियन के पूर्वी इलाके हैं जो पास में पड़ते हैं जैसे टर्की हो गया या आप इधर कह ले तो लेबनान आता है फलस्टीन इसराइल आता है जॉर्डन आता है तो नियर ईस्ट वर्ड यूज़ किया जाता था जो मेडिटेरेनियन के ईस्ट के मेडिटेरेनियन के शोर पर जो ईस्ट में पड़ते थे किनारे मेडिटेरेनियन के किनारे में जो पूर्वी तटों पर शहर बसते थे पूर्वी तटों पर जो प्रोवेंस होते थे उनको नियर ईस्ट कहा जाता था

नो फेसेस है यहाँ पे उधर तो कॉन्स्टेंटिनोपल तरफ से दूर है यहाँ पे एसली है तो ये देखिए छोटे छोटे शहर बसे हुए मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे चाहे आप वेस्टर्न कोस्ट की बात करें चाहे आप ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो जो रूल किया जाता था एंड ये सारे प्रोविंस होते थे ये एक प्रोविंस होता था ये एक प्रोविंस होता था ऐसे ऐसे करके प्रोविंस में बटे हुए थे तो हर एक प्रोविंस में उसके आसपास एक अर्बन सेंटर हुआ करते थे अर्बन सेंटर का मतलब सिटी से है शहर से है तो हर एक प्रोविंस में लगभग एक या दो ऐसा शहर हुआ करते थे जो मेडिटरनियन के शोरस पे बसते थे किनारे पे तो ये जो शहर थे ना उनके थ्रू प्रोविसेस को रूल किया जाता था सो अर्बन सेंटर्स ऑन द शोर ऑफ़ मेडिटेरेनियन वेयर द बेड रॉक ऑफ इम्पीरियल सिस्टम की जो कानून था ये जो सिस्टम बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का वो इस अर्बन सेंटर के यू नो वजह से ही चल रहा था कैसे चलता था कि ये जो अर्बन सेंटर है ना ये हेल्प करते थे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन करने में क्योंकि जब हमने मैप देखा तो हमने देखा था कि यह अर्बन सेंटर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिटेरेनियन के शोर्स पे हैं एंड प्रोवेंसेज इनके द्वारा ही गवर्न किए जाते थे कैसे किए जाते थे इन अर्बन सेंटर में जो लोकल अपर क्लासेस रहते थे जैसे हमने एन की बात करी थी वहाँ पर कोई अपर क्लास एलाइट वर्ग रहा होगा तो उस एलिइट वर्क की मदद से सरकारें क्या करती थी एम्प्लायर क्या करते थे उनकी मदद से टैक्सेज कलेक्ट करवाते थे लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करवाते थे एंड बदले में इस अपर क्लासेस को बहुत बढ़िया खासा रकम दी जाती थी कमीशन के तौर पर एंड इनको फर्दर आप देखेंगे तो लोकल अपर क्लासेस को

जब लोकल अपर क्लासेस भाई मदद कर रही है स्पेन की यू नो स्पेन के अपर क्लासेस हो गए चाहे इजिप्ट के हो गए चाहे सीरिया की होगी ये सारे लोग मदद करते थे क्यों मदद करता थे क्योंकि अंपेर उनको इनक्रेज करते थे कि आपको हम यू नो बढ़िया खासा रकम देंगे एंड अंपेर को इनकी हेल्प लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि भाई बीच में मेडिटेरेनियन है तो लैंड तो स्कैटर्ड है एंड दूसरी चीज़ की जो लोकल अपर क्लासेस है ये अपने प्रोविंस को ज़्यादा बढ़िया समझेंगे क्योंकि वो वहाँ के लोकल है तीसरी चीज़ क्या थी कि जो रोमन एम्पायर था वो उसमें जो मेन पैसा आता था वो इटली से नहीं आता था ज़्यादातर पैसा रीजनल प्रोविंसेस से आता था इजिप्ट से बहुत पैसा आता था यू नो नियर ईस्ट से बहुत पैसा आता था जॉर्डन और वो एरिया सीरिया पैलेस्टीन वाला तो इन सारे जगहों को लूज़ करना एफोर्ड नहीं कर सकते थे रोमन्स तो उन्होंने सोचा कि चले हम अगर इटालियन रूल नहीं बिठा सकते तो हम क्या करते हैं वहाँ पे लोकल अपर क्लासेस को शामिल करते हैं अपने सीनेट में उनको बड़ी बड़ी पोस्ट देते हैं ताकि वो इंकरेज होकर हमारे लिए वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करेंगे हमारे लिए वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करेंगे ताकि क्या होगा कि हमारा जो पैसा है वो उन क्षेत्रों से आता रहे सो दैट वॉज अडियो अब आपको एक चीज़ दिमाग में आती है कि देखें जब हमने शुरू में इटालियन इताल, डिसेंट की बात करी थी सीनेट में देखा तो हमने कि किनेट में ज्यादातर लोग इटालियन डिसेंट के ही होते थे यानी कि इटली के आसपास के ही लोग होते थे लेकिन वाई डिड दज द लोकल राइट्स ऑफ प्रोविंस टू टेक पार्ट इन administration कि ये जो प्रोवेंसेज के लोकल एलाइट्स होते थे लोकल एलिट्स एंड लोकल अपर क्लासेस होती थी उनको अम्पेडर क्यों इंक्रेज करेंगे तो पहला रीज़न ये होता था कि अम्पेडर चाहते थे कि जो इटालियन डिसेंट के लोग सीनेट में बैठे हुए हैं ये लोग बेड़ा गढ़ कर रहे रोमन अम्पायर का बिकॉज दे आर बेसिकली इगोइस्टिक पीपल एंड चाहते थे अंपेयर कि इनकी जो ईगो है ना उसको तोड़ा जाए इनकी अकड़ को तोड़ा जाए सो बेसिकली एम्पायर अंपेर वॉन्टेड टू ब्रेक डाउन द डोमिनेंस ऑफ इटालियन डिसेंट इसीलिए वो जब लोकल एड्स क्लास एंड लोकल अपर क्लासेस उनकी मदद करती है यू नो पैसा कलेक्ट करने में लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने में तो अनपढ़ उनको रिवॉर्ड करते हैं कई चीज़ों से उनको सीनेटर बिठाते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देते हैं उनको आर्मी में पोस्ट देते हैं मिलिट्री कमांडर्स तक बना देते हैं उनको तो ये सारी चीज़ें इसलिए करी जाती है क्योंकि इटाली डिसेंट के लोग जो रोमन अन में थे उनकी पावर कमजोर हो क्योंकि ये सारे जो लोग थे जैसा आपने यहाँ देखे कि उनको हाई रैंक हाई मिलिट्री रैंक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी जाती थी जो लोकल अपर क्लासेज होते थे प्रोविंस के प्रोविंस के मतलब जैसे सीरिया के अपर क्लासेज हो गए स्पेन के हो गए इजिप्ट के हो गए टूनिशिया के हो गए आप देख ले तो उधर ग्रीस के हो गए सो दैट वॉज अ सीनेरियो उनको इसीलिए इतनी इतनी यू नो नेमत से नमाजा जाता था क्योंकि इटालियन uh, डिसेंट के लोगों का डोमिनस तोड़ना था मेन चीज़ ये थी क्योंकि इटालियन डिसेंट के लोग सीनेटें बहुत ज़्यादा थे एंड उनको ऐसा लगता था कि रोम जो है हमारे बाप की जागीर है तो वो लोग अंपेयरस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे जब भी मौका मिलता था तो अंपेडर के अंपेडरस के लिए सबसे पहला जो खतरा था वो एक्सटर्नल आर्मी नहीं थी दूसरे देशों की आर्मी नहीं थी बल्कि सीनेट के खुद के ही लोग थे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि रोम फिर से रिपब्लिक बने रोम अंपायर बना ठीक नहीं लगता क्योंकि सीनेट कितना अच्छा रिपब्लिक के समय में हम रूल करते थे ठीक है तो इटालियन डिसेंट के लोग जो सीनेट में बैठे थे वो चाहते थे कि रोम फिर से रिपब्लिक बने एम्पेडरस को जल्दी जल्दी भगाया जाए तो जब भी मौका मिलता था वो एम्पेडरस के ऊपर चढ़ जाते थे तो एम्पेडर ने इसका बहुत बढ़िया एक तोड़ निकाला उन्होंने कहा कि चलो अब सीनेट में हम इटालियन डिसेंट के लोगों की, लोग की संख्या ही कम कर देते क्योंकि सीनेट में अपॉइंट करने की जो पावर थी वो वो के हाथों में थी तो अंपायर ने कहा कि जो लोकल अपर क्लासेस है उनको हम इनकेज करेंगे वो हमारे लिए टैक्स भी कलेक्ट करके दे रहे हैं वो प्रोविसेस में लॉ एंड ऑर्डर भी इंश्योर करते हैं हमारे ये लड़ाइयां भी लड़ते हैं मिलिट्री में भी काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर रहा है तो इनको इंकरेज करते हैं उनको सीनेट में बिठाओ जब सीनेट में इनकी आबादी बढ़ने लगी तो इटालियन डिसेंट के लोगों की आबादी घटने लगी एंड इनकी जो पोजिशन थी वो कमजोर होने लगी दिस सेलेक्ट टू द डिक्लाइन ऑफ इटली विद इन द अंपायर की रोम जहाँ से शुरू हुआ था इटली से वो इटली का ही प्रभुत्व रोमन अम्पायर में अब कम होता जा रहा था वोनली बिकॉज की इटालियन डिसेंट के लोग अम्पायर से सहमत नहीं थे वो चाहते थे कि फिर से रिपब्लिक बने एंड सीनेट के हाथों में सारी पावर्स सा आए हैं सो so, ये जो पावर दी जाने लगी अंपायरस द्वारा प्रोवेशियल अपर क्लासेज को प्रोवेशियल अपर क्लासेज मतलब जो राज्य के अपर क्लासेज होते थे राज्य मतलब एक राज्य स्पेन का भी हो सकता है एक राज मान लेते आप नियर ईस्ट में सीरिया फेलस्टीन के इलाके में भी हो सकता है एक राज इजिप्ट में भी हो सकता है एक राज्य मान लेते हैं ट्यूशिया लिबिया अल्जीरिया के मरक्के के क्षेत्र में भी हो सकता है सो इन सारे लोगों को जब उन्होंने सीनेट में इंट्रोड्यूस करना शुरू करा तो इनकी आबादी बढ़ती गई एंड जो इटालियन डिसेंट के लोग थे उनकी आबादी एंड उनकी पोजिशन घटती गई सो दिस डिक्लाइन विद इन दंपायर एंड उसके बाद एक चीज़ और जाने कि एक जो अंपायर था गैलेनियस करके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे सीनेटर्स को भगाने के पीछे उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि सीनेटर्स में सीनेट में जो भी लोग बैठेंगे वो आर्मी में सर्व नहीं कर सकते सो so बेसिकली गैलेनियस फॉरवेड सीनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी क्योंकि उनको अपने पावर को कंसॉलीडेट करना था एंड पावर को कंसॉलीडेट करने में सबसे बड़ी जो बाधा आती थी हमने पहले आपको बता दिया कि सीनेटर्स थे बाहर के लोग नहीं थे एक्सटर्नल आर्मी एंड एक्सटर्नल कंट्री नहीं थी वो खुद के ही सीनेटर्स थे क्योंकि वो चाहते थे कि रोम फिर से रिपब्लिक बने रोम अंपायर है तो ये

उसके बाद जब हमने अर्बन सेंटर्स की बात करी कि इसके थ्रू यू नो प्रोविंसेस को गवर्न किया जाता था, था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता था एंड बहुत भारी मात्रा में टैक्स भी कलेक्ट किए जाते थे तो एक चीज़ देख लेते हैं कि रोमन अंपायर में जो सिटीज़ होती थी शहर एंड देहात में क्या फर्क होता था रोमन सिटीज एंड कंट्री साइड इन दोनों में क्या फर्क था तो हेयर इज अ सिटी एंड कंट्री साइड पहला डिफरेंस क्या था कि सिटीज़ के क्या होती थी ना अपनी काउंसिल होती थी अपने मजिस्ट्रेट होते थे अपने हुक्म बनाने वाले होते थे एंड काउंसिल भी बैठती थी लेकिन वहीं पे विलेजेस एंड कंट्री साइड होते थे वो सिटीज़ के जोडिसडिक्शन के अंदर आते थे कंट्री साइड बेसिकली केम अंडर द जोडिस ऑफ सिटीज़ यानी कि कंट्री साइड यू नो गांव होते थे वो सिटीज़ के अंदर ही आते थे तो उनके अपनी कोई काउंसिल एंड मजिस्ट्रेट नहीं होते थे वो सिटीज़ द्वारा ही गवर्न किए जाते थे उसके बाद सिटीज़ के पास एक बढ़िया सिस्टम होता था स्टोरेज का कि फूड ग्रेन्स रखना है या ज्वेलरीज रखनी है या मेटल्स रखने हैं या पर्स रखने इन सारे चीज़ों का या ट्रेड ट्रेड भी उनकी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी क्योंकि रोमन अंपायर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी बियॉन्ड एवरीथिंग मेटल्स के मतलब जितनी भी आप वैल्यूबल चीज सोच सकते हैं उस सबसे भी ज्यादा वैल्यूबल अगर कुछ थी तो वो ट्रेड था जब आप मैप देखेंगे रोमन अम्पायर का तो रोमन एम्पायर के पास मेडिटेरेनियन है एंड मेडिटेरेनियन के वैल्यू आप समझ ही सकते हैं आज भी उस समय आज भी अगर जियो पॉलिटिकल सीनारियों देखेंगे तो मेडिटेरेनियन में फ्रांस एंड टर्की आमने सामने हमेशा रहते हैं क्योंकि मेडिटेरेनियन इज़ वेयर द यूरोपियन पावर लाइज वहीं पे यूरोप की सारी पावर लाई करती है तो मेडिटेरेनियन पे जिसका भी रूल होगा सारे के सारे ट्रेड पे वही उसी की मुनबली होगी सो जो जो ट्रेड था ना रोमन अंपायर में सिटीज़ के थ्रू ऑर्गेनाइज़ करा जाता था सिटीज़ के थ्रू कंडक्ट किया जाता था एंड सिटीज़ में बहुत बढ़िया स्टोरेज की व्यवस्था भी होती थी फूड ग्रेन्स को भी अच्छे से स्टोर किया जाता था जो हमारे पास मेटल्स होते थे पर्ल्स होते थे ज्वेलरीज होती थी उनको भी स्टोर किया जाता था ऐसी कोई व्यवस्था कंट्री साइड के देहातों में नहीं होती थी उनके पास food grains. यू नो स्टोरेज की बहुत आ, लैक करते थे वो लोग इस इस मामले में इसीलिए देखेंगे आप जब भी कभी फ़ूड शॉर्टेज या फेमीस का टाइम आता था अकालों का समय आता था तो सिटीज़ को तो कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उनके पास पहले से ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है एक भंडारा गार होगा या अन्ना गार होगा जैसा कि आपने भोजारों में देखा होगा उसके अंदर यू नो बोरी की बोरी चावल दाल रखी जाएंगी लेकिन कंट्री साइड में ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं तो कंट्री साइड जब भी फूड शॉर्टेज होता था मान लीजिए खेती कम हुई या अकाल आ गया सूखा पड़ गया तो उस समय कंट्री साइड में बहुत गुर्बत में लोग जीते थे मरते थे पता नहीं क्या क्या खाते थे पेड़ों के टहनिया डंटे खा के जिंदा रहते थे

यहाँ आप देखें तो एक छोटा सा मैदान दिख रहा है यहाँ पे बैठने की जगह इस पर क्या होता था कि सोल्जर्स आके लड़ते थे घोड़ों पे एंड अपना यू you नो know, आर्ट दिखाते थे स्किल्स दिखाते थे तो ये एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का सोर्स होता था एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहेंगे तो साल के तीन दिन में एक दिन तो एक्सपेक्टेकुलर लगता ही था मतलब ये सर्कस टाइप का होता है ये जो इंटरटेनमेंट होती थी वो साल के एक दिन तो होती ही होती थी मतलब आप सोच लें कि आधे दिन तो इंटरटेमेंट होगा ही होगा तो सिटीज़ हैड फुल ऑफ इंटरटेनमेंट्स बट कंट्री साइड में कोई ऐसा या रूरल एरियाज़ में कोई ऐसा इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं हुआ करता था ये सारी चीज़ें डिफरेंस थी डोमन सिटी एंड कंट्री साइड में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की सिटीज़ हैड वेल ऑर्गेनाइज स्टोरेज एंड ट्रेड एंड कंट्री साइड में ऑर्गेनाइज स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं होती थी इसीलिए जो देहात होते थे वो अक्सर अकाल के समय में या फूड शॉर्टेज के समय में इनको दिक्कत होती थी बहुत सारे लोग मारे भी जाते थे या बहुत सारे लोग अगर यू नो सर्वाइव कर पाते थे तो पेड़ों की टहनियाँ खा के या बहुत सारे जो जड़ों खा के ऐसे करके जिए बचे सर्वाइव कर पाते थे रोमन अम्पायर में हमने अभी तक सारी चीज़ों के बारे में लगभग पढ़ लिया कि भाई रोमन अंपायर को रूल कैसे किया जाता था रोमन अम्पायर की आर्मी कैसे थी रोमन अम्पायर की राइवलरी कैसे होती थी परीक्षा के साथ रोमन अम्पायर में सोशल हायर की कैसे थी सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव हायर की कैसे थी पहले देन सीनियर दे देन आर्मी अब रोमन अम्पायर में जो डाइवर्सिटी है उसके लिए हमें तीन चीज़ें पढ़ दी हैं जेंडर लैंग्वेज एंड कल्चर इन तीनों को पढ़ेंगे जेंडर में जो सबसे पहला आता है मेरे पास सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा लोग आखिर रहते कैसे थे तो रोमन अम्पायर में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली प्रेवलेंट थी मतलब जो लड़के जब एडल्ट हो जाते थे तो वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे सो न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करती थी यू नो दो चार लोगों की फैमिली एंड जब लोग बच्चे की शादी होगी तो वो अपनी अलग फैमिली बसा लेता था उसके बाद जो स्लेव्स होते थे जो ग़ुलाम होते थे उनको फैमिली में इंक्लूड किया जाता था तो उनको ये बहुत बड़ा एक आप, आप कह सकते हैं कि एक कंपेशन का बहुत बड़ा गुजारा आप देख सकते हैं एग्जाम्पल देख सकते हैं कि स्लेब्स को इंक्लूड किया जाता था फैमिली में क्यों किया जाता था उसको हम आगे देखेंगे जब हम सिली में स्लेवरी पढ़ेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो रोमन एम्पायर में स्लेब्स की जो इंपॉर्टेंस थी नॉट इम्पॉर्टेंस चीज का मतलब ये नहीं कि उनसे ब्यूटैलि नहीं की जाती थी या उनको मारा पीटा या उनको सप्रेस नहीं किया जाता था ये चीज़ें नहीं थी बट स्लेब्स को एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया था वोली बिकॉज की स्लेब्स वेर सीन एज ए इन्वेस्टमेंट स्लेब्स को बोलोगे तो ना कि एज अ लेबर सो स्लेब्स एंड लेबर में फर्क होता so, ये चीज़ है चीज़ें रोमर्स को पता थी इसलिए रोम ने स्लेब कोवेस्टमेंट देखा उनको पता था कि स्लेब्स हमारे लिए बहुत पैसा बना के देंगे आगे क्योंकि इनसे मैं लाइफ टाइम काम लेना है दे आर नॉट लाइक लेबर थे उनको आज दिहाड़ी दी और कल वो काम करके चले गए देट तो वाज स्ले

क्या लड़कियां के? तो लड़कियों की जब शादी हो जाती थी तो उसके बाद भी उनका फादर की प्रॉपर्टी में शेयर होता था ऐसा नहीं कि उनकी जो अथॉरिटी थी वो हस्बैंड को ट्रांसफर कर दी गई कि भाई अब तुम अपने हस्बैंड की हो हमारे प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा तुम नहीं है तो ऐसा नहीं होता था जो औरतें होती थी जो लड़कियां होती थी उनकी फादर्स के प्रॉपर्टी में शेयर होता था उनका उनका शेयर होता था इवन आफ्टर दियर मैरिज उसके बाद जो डिवोर्स था ना वो बहुत ज़्यादा इजी था जस्ट एक नोटिस ऑफ इंटेंट चाहिए होता था चाहे ग्रूम की तरफ से या ब्राइड की तरफ़ से लड़के की तरफ से हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से किसी की तरफ से अगर डिवोर्स के लिए नोटिस ऑफ इंटेंट आ गया कि हाँ अब हमें डिवर्स करना है अब हम यू you नो know, इस इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकते तो ये डिवोर्स बहुत ईजी होता था एक छोटा सा लीगल प्रोसेस था एंड कंप्लीट हो जाता था सो इन दैट वे हम कह सकते हैं कि अगर डिवोर्स का प्रोसेस इतना ज़्यादा आसान था एंड नोटिस ऑफ इंटेंट किसी के भी द्वारा इशू किया जा सकता था चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो तो आप कह सकते हैं कि रोमांस ने यह समझा था कि ये जो लाइफ एंड रिलेशनशिप को लेके जो यू नो यूरोसीज है वो औरतें भी ले सकती हैं मेल्स भी ले सकते हैं सो इन दैट वे वी कैन से कि औरतों के पास लड़कियों के पास अपने ही लीगल राइट्स हुआ करते थे क्योंकि डिवोर्स का फैसला उन पर डिपेंड करता था उन पर भी डिपेंड करता था अपार्ट फ्रॉम दियर हजबैंड एंड उसके बाद जब उनको फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जा रहा है दैट मीन्स कि ये भी एज्यूम किया जा रहा है कि लड़कियाँ अपने फाइनेसिस को अच्छे से संभाल सकती हैं तभी तो उनको हिस्सा दिया जा रहा है ना अगर आपको कुछ पैसे दिया जाता है दट मीन्स किूम कि आप उस पैसे को संभाल लेंगे सो अगर उनको फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जा रहा है दैट मीस कि ऐसा माना जाता होगा कि इनको फाइनेंशियल यू नो नॉलेज ये फाइनेंस संभाल लेंगी सो इन दैट वे वी कैन से दैट यू नो वुमेन हैड लीगल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो फाइनेंशियल एंड लीगल इंडिपेंडेंस को एंजॉय करती थी डिवोर्स बहुत इजी होता था जो पैसा होता था वो उनके पास फादर की प्रॉपर्टी में भी उनको शेयर मिलता था तो दे वर बेसिकली लीगल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखते हो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज की जो मैरिज होता था ना तो उसमें एक बहुत ही सब्सटेंशियल एज गैप होता था बारह तेरह चौदह सालों का एज गैप होता था इससे क्या होता था कि ऑफेन जो लड़कियां होती थी वो फिजिकली डोमिनेट की जाती थी यहाँ पे बीट करना एक गलत वर्ड होगा कि मारा पेटा जाता था हालाँकि फिजिकली डोमिनेट करना इज़ मोर और लेस लाइक कि आप यात्रा दे रहे हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा चीप वर्ड हो जाता तो फिजिकली डोमिनेट हालांकि ये भी कोई सही वर्ड नहीं है लेकिन आ, दुर्दशा थी तो क्या करें देर दे वेर ऑफन फिज़िकली डोमिनेटेड बाई दियर हस्बैंड कि उनके हस्बैंड उनको फिजिकली डोमिनेट करते थे कभी कभी यू नो उनकी उनको यातना देते थे सप्रेस किया जाता था एंड फादर्स को जो थे ना जब शादी हो जाती थी तो फादर्स के पास एक ग्रेटर कंट्रोल होता था ओवर दियर चिल्ड्रेन कि उनके जो बच्चे हैं तो उसके ऊपर एज़ कम्पेयर टू मदर फादर के पास ज़्यादा राइट्स होते थे मतलब यहाँ तक राइट्स थे कि अगर फादर चाहे तो किसी चिल्ड्रेन को अगर वो चाहता है कि भाई ये अनवॉन्टेड चिल्ड्रेन है उस समय तो इतना प्रोटेक्शन का यूज़ होता नहीं था तो बहुत सारे लोग अनवांटेड ही आ जाते थे दुनिया में तो अनवांटेड चिल्ड्रन को अगर वो चाहें कि वो नहीं रखना चाहें तो फादर कैन यू नो वो उसको खुले मैदान में छोड़ भी सकते थे कि ये जो जो नवजात है वो अब उसको खुले मैदान में छोड़ देंगे तो ये ठंड में मर जाएगा सो तो फादर को यहाँ इस लेवल तक इस एक्सटेंट तक राइट दिए गए थे तो फादर हैड द ग्रेट कंट्रोल ओवर दियर चिल्ड्रेन एंड वेमेन को ऑफ एन आप देखेंगे तो फिजिकली अब्यूज़ भी करा जाता था फिजिकली डोमिनेट किया जाता था बाई दियन हस्बैंड एंड एक एज गैप होता था इससे क्या होता था कि कोऑर्डिनेशन बनाने में ज़्यादा दिक्कत आती थी एंड एज गैप वॉज ऑफ़ द मेन रीजन की जो फिजिकल डोमिनेशन था ये उनके ऊपर किया जाता था एक एग्जाम्पल सेंट ऑगस्टाइन है वो बताते हैं कि उनकी माता वो जीडिया साइड के थे वो बताते हैं कि उन, और बहुत बड़े बिशप थे वो बहुत बड़े चर्च के वो फादर थे तो वो बताते हैं कि उनकी जो मदर थी उनको उनको काफ़ी फिजिकली डोमिनेट किया जाता था माड़ा पीटा जाता था उनके फ़ादर के द्वारा सो so, एक एग्जाम्पल ये भी है जो आ, वो विषा बताते हैं फिजिकल डोमिनेंस का सो दैट वाज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप इसको अगर कर समअप करना चाहें तो पोजीशन ऑफ वेमन वाज वेरी मच ओके ओके कें डिसडवांटेजे भी कुछ थे एडवांटेजेस भी थे एडवांटेजेस मीन्स के लीगल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस था उनको प्रॉपर्टी में शेयर मिलता था डिवोर्स ही था देखें चूज य पार्टनर्स एंड जो आप डिसएडवांटेजेस uh, थे कि उनको फिजिकली डोमिनेट किया जाता था क्यों क्योंकि एज गैप होता था बारह तेरह चौदह साल मतलब किसी लड़की की शादी अगर सोलह साल में कराई गई तो लड़का तीस साल का है तो ऑफ जो तीस साल का लड़का है वो तो सोलह साल की लड़की पर फिजिकली हावी हो ही सकता है एंड फादर अगर रिश्ते में देखें यू नो फादर एंड मदर के तो फादर के पास ज्यादा राइट होते थे एज कम्पेयर टू मदर ओवर दियर चिल्ड्रन नाउ लिटरेसी कैसी थी लिटरेसी से हम लैंग्वेज के बारे में ही पढ़ेंगे आगे चल के तो लिटरेसी सबसे पहले देखेंगे तो जो अंपायर में लिटरेसी थी ना वो प्लेस टू प्लेस वैरी करती थी ज़रूरी नहीं कि हम कह लें कि भाई पूरे अंपायर में जैसा इंडिया में भी आप देखेंगे तो केरला में ज़्यादा है यू you यूनो know, बिहार यूपी के क्षेत्रों में कम है सो so, इसी तरह रोमन अम्पायर में भी लिटरेसी प्लेस टू प्लेस वैरी करती थी फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक सिटी थी पोम्पेई पोम्पई एक सिटी थी वहाँ पर और ये सिटी सेवेंटी नाइन के आसपास देखेंगे तो इसका ये बोल्कैनो एक आता है एंड ये फिर बर्बाद हो जाती है तो ये जो सिटी ऑफ पोम्पे था ना ये यहाँ बहुत बढ़िया लिटरेसी थी यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे इसका अंदाज़ा हमें इससे मिलता है कि वहाँ पे जब खुदाई करेगी तो वहाँ पे बहुत वॉल एडवर्टीज़मेंट एंड ग्राफिटी मिली है ग्राफि ग्राफिटी मतलब जो वॉल्स पे, पे पेंटिंग बनाई जाती है लाइक ये आप देखें दिस इज़ लाइक ग्राफिटी वॉल्स पर पे जब पेंटिंग बनाई जाती है आपने बहुत बड़ी देखा होगा तो इसको ग्राफिटी कहते हैं वो एडवर्टीज़मेंट भी कहते हैं तो ये चीज़ें पाम्पई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी पॉपई में बहुत सारा बहुत सारी ऐसे दीवारें मिली हैं जहाँ पे यू नो ग्राफ़िटीज़ बनाई गई थी जहाँ पे एडवर्टीज़मेंट छापे गए थे उसके बाद उसी तरह एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इजिप्ट का ऑन द कॉन्ट्री पॉम्पेई के विपरीत इजिप्ट में लिटरेसी वॉज नॉट वाइडेसिपेट उतनी ज्यादा लिटरेसी इजिप्ट में नहीं थी इसीलिए पीपल जो थे ज़्यादातर स्क्राइब्स के पास जाते थे स्क्राइब्स हमने आपको बताया कि पेपर्स पे लिखने के लिए जो लोग चाहिए क्योंकि स्क्राइब्स often पढ़े लिखे होते थे और उनको पेपरस पे लिखना भी आता था सो so, लोग स्क्राइब्स के पास जाते थे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स या official डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था इजिप्ट में जो लिटरेसी इतनी कम थी लेकिन उसमें उसमें भी एक्सेप्शन था कि जो एक दो तीन क्लासेस थी लाइक सैनिकों की क्लास या आर्मी ऑफिशर्स की क्लास या स्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते थे वो थोड़े से पढ़े लिखे थे क्योंकि इनका जो काम था वो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट तो इनकी, इनकी थी लिटरेट लिटरेट बट रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी मच इलिटरेट सो लिटरेसी वॉज नॉट वाइड इन इजिप्ट एज कम्पेयर टू इन द पॉम्पे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग लिटरेट थे पढ़े लिखे थे बहुत एडवर्टीजमेंट छापे जाते थे ग्राफिटीज बनाई जाती थी दैन जो तीसरा हमारा पैमाना है डाइवर्सिटी को मेजर करने का यहाँ तो हमने देख लिया कि लिटरेसी किस तरीके से डाइवर्सिटी किसी इलाके में ज़्यादा है किसी इलाके में कम है उसी तरीके से हमने इससे पहले जेंडर के बारे में पढ़ा जेंडर में हमने देखा कि अच्छा वुमेन के पास कुछ एडवांटेजेस भी थे डिसएडवांटेजेस भी थे कल्चर में देखते हैं डाइवर्सिटी कितनी थी सो रोमन अम्पायर वॉज फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्लूलेटी इन द कल्चर की रोमन एम्पायर का जो कल्चर था बहुत ज़्यादा प्लूरल था मतलब यहाँ बहु सामाजिक का तो बहुत अलग अलग इथेंसिटी के लोग रहते थे डाइवर्सिटी किन जिनकी क्षेत्रों में थी तो रिलीजियस कल्ट्स में थी लोग अलग अलग रिलीजन को मानते थे उस समय तो पोलिथिजम ज़्यादा थी मतलब समझे आप कि अलग अलग देवताओं को पूजा जाता था ग्रीक गॉड्स को पूजा जाता था रोमन गॉड्स को भी पूजा जाता था इजिप्शियन गॉड्स को भी पूजा जाता था लैंग्वेजेस में भी डाइवर्सिटी थी बहुत सारी लैंग्वेजेज बोली जाती थी कॉप्टिक सेल्टिक आप एलमिया देखेंगे तो बोली जाती थी फूड्स भोजन में भी बहुत ज्यादा डायवर्सिटी थी अलग अलग जगह के लोग अलग अलग खान खान पान यूनो you know, यूज खाते थे कॉस्ट्यूम्स जो कपड़ा होता था ना वो भी आप कहेंगे तो एक ऐसा नहीं था कि एक यूनिफॉर्म होता था यूनिफॉर्म ड्रेस यूनिफॉर्म उनका कॉस्ट्यूम होता था यूनिफॉर्म में कि एक ही चीज़ सारे लोग पहन रहे थे तो ऐसा नहीं था स्पेन के लोग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम पहनते थे एंड सीरिया के लोग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम पहनते थे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी डाइवर्सिटी थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे जो लोग थे वो ट्राइबल सेटलमेंट में रहते थे बहुत सारे नॉन ट्राइबल में रहते थे बहुत सारे लोग रूरल सेटलमेंट्स में रहते थे बहुत सारे लोग अर्बन सेटलमेंट्स में रहते थे तो लैंग्वेजेस में अगर आप देखेंगे तो अरेमियान जो थी वो नियर ईस्ट के इलाकों में ज़्यादा बोली जाती थी सीरिया इजराइल इसराइल के इलाकों में प्योरी के एंडा आप देखेंगे तो नॉर्थ अफ्रीका में ज्यादा बोली जाती थी सेल्टिक हमारा स्पेन में ज्यादा यूज होता था कॉप्टिक हमारा इजिप्ट में ज़्यादा यूज होता था एंड कॉप्टिक में तो आप देखें तो थर्ड सेंचुरी के आसपास बाइबल की ट्रांसलेशन भी करी गई थी लेकिन और क्या होता था कि इतनी जो ज्यादा डायलेक्ट्स थी बोली थी वो ओरल ही थी इनकी स्क्रिप्ट बहुत कम थी तो ओनली फ्यू लैंग्वेजेस हैड द स्क्रिप्ट उसमें कॉप्टिक की बाद में स्क्रिप्ट ईजाद करी जाती है अरेमिक की भी होती है तो ज़्यादातर लैंग्वेज की स्क्रिप्ट नहीं थी इसीलिए क्या होता है ना कि सबको लेटिन लैंग्वेज बाद में आके डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट ही नहीं तो ऑफिशियल ऑफिशियलो

उसके बाद अब हम देखते हैं इकोनमी ऑफ द अंपायर अंपायर की अर्थव्यवस्था कैसे थी अंपायर को पैसा कहाँ से आता था पैसा कैसे आता था एंड क्या क्या सोर्सेस थे किस तरीके से स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकानमी में उस समय आप देखेंगे तो मेजर तीन चार जगहों से पैसा था ट्रेड में हार्बर्स के थ्रू बंदरगाहों के थ्रू माइनिंग कर जाती थी क्वेरीज खदान बहुत ज़्यादा थे ब्रिकियार्ट्स सिमनी होती थी ओलि ऑयल की फैक्ट्रीज होती थी तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास रोमन के पास उस समय भी बहुत ज़्यादा था बंदरगाह वहाँ से वहाँ से पैसा आता था माइन से पैसा आता था क्वेरीज से पैसा आता था ब्रिकी आर्ट्स चिमनी से पैसा आता था ओलिव ऑयल की फैक्ट्रीज होती थी एंड वन ऑफ द कमोडिटीज दैट वॉज ट्रेडेड मच बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग होती थी सो so, आप देखें तो ये एरिया है एंड इसमें आप खुद देख लें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हार्बर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि जितने भी लोग रोमन अम्पायर को अटैक करते हैं ना तो सबसे पहला रीज़न ये था कि हमें मेडिटेरेनियन पर कब्ज़ा करना है क्योंकि इधर से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है सारी की सारी चीज़ें तो एशिया से आती है वो इसी के थ्रू तो जाती है रोमन अम्पायर में एंड रोमन अम्पायर एंड यूरोप वॉज द मेजर कंज्यूमर ऑफ़ यू नो एशियन गुड्स एशियन प्रोडक्ट्स साउथ एशियन प्रोडक्ट्स चाहे इंडिया चाइनीज चाइनीज़ प्रोडक्ट हो तो ये सारी चीज़ें जब ऐसे जब लोग देखते थे कि रोमन अम्पायर के पास हर्बर्स हैं माइन है क्वेरीज हैं ब्रिक यार्ड्स हैं ओलिब ऑयल के फैक्ट्रीज़ हैं तो लोग ख़ुद ही आकर्षित तो होकर चले जाते थे कि हमें नहीं आई रोमन अम्पायर पर अटैक करना सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज देयर एंड ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ थी जो ट्रेड करी जाती थी तो uh, गेहूँ का ट्रेड होता था वाइन शराबो का ट्रेड होता था ओलिब ऑयल इसका ट्रेड होता था उसके बाद आप देखेंगे तो वाइन एंड ऑयल वेर कैरीड इन वेजल कॉल्ड कॉल एम्फोरा एक स्पेशल टाइप का वेजल होता था जिसमें कि शराब एंड ऑयल एंड एंड एनी टाइप ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट उसको कैरी किया जाता था वो कुछ इस तरीके का दिखता था यहाँ पे उस, आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं सुराही टाइप का है तो ये आपको एंशियंट टाइम में उस समय में भी ये सारी चीज़ें बनाई गई थी सो so, जब हमने पढ़ा था रोमन अम्पायर का इंट्रोडक्शन तो हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें रोमन अम्पायर में ईजाद करेगी जो आज भी आज तक प्रवेलेंस में हैं सो so, ऐसी सुराही भी आज आपको आज तक मिल जाएंगी जो ऐसे लिक्विड प्रोडक्ट्स को यू नो कैरी करने के लिए चाहे वाइन हो चाहे ऑयल हो चाहे इवन वाटर हो इसको कैरी करने के लिए वो यूज़ करे जाते हैं सो दैट वॉज अ सैनारियो उसके बाद आ, अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी अंपायर की जो इकोनॉमी थी उसमें सबसे बड़ा फीचर यह था कि जो अंपायर के अलग अलग प्रोविंसेस थे वो आपस में कम्पीट करते थे इन इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे तो देर वॉल अ रीजनल कम्पटीशन इन ट्रेड ऑफ़ डिफरेंट कमोडिटीज़ एग्जाम्पल लेते हैं तो स्पेन नॉर्थ अफ्रीका टर्की सीरिया एंड पैलेस्टीन कम्पीट करते थे ओलि ऑयल एंड वाइन्स के यू नो एक्सपोर्ट में कि इन, इन सब जगहों पर ओलि ऑयल एंड वाइन्स का यू नो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो ये लोग कम्पीट करते थे कभी स्पेन के पास यू you नो know, ताजशाही होती थी उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका इसको नॉर्थ अफ्रीका में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ फिर टर्की में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ फिर सीरिया में ऐसे करके कभी इस रीजनल यू नो कभी इस प्रोविंस के ऊपर नैक रहता था कभी इस प्रोविंस को एडवांटेज रहता था कभी टर्की को एडवांटेज रहता था कभी सीरिया को एडवांटेज रहता था था सो so, इस तरीके से रीजनल कंपटीशन चलता था ये तो हमने समझ लिया कि लिक्विड प्रोडक्ट्स में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे उसमें एक एक स्टेट था सिजली करके बाइजेशियम जो ट्यूनिशिया आज का बाइटिका ऐसे एस ऐसे स्टेट्स थे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कम्पीट किया करते थे वीट में या अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्योंकि यहाँ पे लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी तो रीजनल कॉम्पिटन से हमें एक चीज़ें पता रखनी है कि सबसे पहले ये आप नाम अगर ना भी पता हो कि कौन कौन कम्पीट करते थे स्पेन नॉर्थ अफ्रीका ये इम्पोर्टेंट नहीं सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता था एंड एक हेल्दी रिलीजियस रीजनल कॉम्पिटिशन था कि रीजल डीजन, रीजनल कॉम्पिटिशन से क्या होता था कि एक राज्य का उदय होता था कभी एक राज्य ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गया कभी एक राज्य कमजोर हो गया क्योंकि डिपेंड करता था कि जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी लेकिन अल्टीमेटली एम्पायर को बेनिफिट मिलता था क्योंकि हार्बर का यूज तो होगा ही

कंस्ट्रक्शनस होते थे यू नो ब्रिक्स बनाए जाते थे तो वो सारी चीज़ें मैनुअल होती थी क्या लाइक like, लोग ही करते थे क्या लेबर मैनुअल लेबर के थ्रू ही करी जाती थी क्या तो आंसर वॉज अ बिग नो क्योंकि उस समय बहुत तगड़े तगड़े इन्वेंशनस भी हुए थे सो वी लुक एट सम सम्पॉर्टेंट इन्वेंशन जिन्होंने उस समय पूरी हिस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल दी तो वन वॉज द मिलिंग टेक्नोलॉजी जो हम यू uh, नो you know, पीसते हैं ना जिसको कि जो हम लोग जैसे गेहूँ पिसाते हैं लाइक like, या कोई चीज़ ग्रेंड करते हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी ईजाद करी थी वो रूमर्स नहीं करी थी सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनोवेशन टेक्नोलॉजी उसके में वो क्या करते थे दिस टेक्नोलॉजी वॉज इनिशियली यूज टू ग्रेंड वो जो वीट का प्रोडक्शन करते थे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते थे उनको ग्राइंड करने के लिए उनको यू uh, नो you know, पीसने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था यू कैन सी द एग्जाम्पल एक पोम्पई में एक बेकरी थी बेकरी बेकर में ऑब्वियसली आटे का इस्तेमाल होता है तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे जो एंशियंट मिलिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मिल्स बनाई जाती थी तो इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं उस समय कोई जनरेटर्स हुआ नहीं करते थे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो इसको किस तरीके से पहले शुरुआती दिनों में मैनुअल यू नो लेबर से इस मिलों को चलाया जाता था एंड फिर एनिमल्स के थ्रू चलाया जाता था लेकिन जब वो एक नया एडवासमेंट लेके आते हैं एंड वो एडवांसमेंट क्या था

एंड जब पानी पड़ेगा देखिए इसके मिडिल में पानी पड़ेगा तो ये टर्बाइन चल उठेगी ठीक है टर्बाइन इधर चलेगी एंड उस तरफ हमने मिल का जो इक्विपमेंट है इसे लगा दिया तो टर्बाइन जैसे जैसे घूमेगा ये जो चक्की है वो भी घूमेगी एंड जो सामान है हमारा पिस जाएगा इसका यूज हम मिट्टी खोदने में भी कर सकते हैं तो माइनिंग में भी इस हाइड्रोलिक माइन मिलीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा सकता है या हम कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में कैसे करते थे उसके लिए थोड़ा सा अलग इक्विपमेंट होता था आपको दिखाते हैं अभी सो दिस वाटर पावर्ड मिल मिलन टेक्नोलॉजी हेल्प इन माइनिंग गोल्ड सर्वर एंड यू नो कंस्ट्रक्शन माइनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता था

यू नो इक्विपमेंट को जो हमारा यू नो चक्की होती थी ठीक है चक्की से सीधे हमने वो इक्विपमेंट को कनेक्ट कर दिया जो पीसने वाला जो होता था ना जो घूमेगा सो so, जब ये चक्का घूमेगा तो ये भी यू नो घूमेगी एंड इस चक्की से हम पीस सकते हैं सो दैट वाज अ सिनेरियो इस चक्की से हम यू you नो know, कोई वेट uh, पीस सकते हैं या किसी यू नो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी पीस सकते हैं इसके अलावा हम इससे ज़मीन में खुदाई भी कर सकते हैं माइन भी की जा सकती है इसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी की जा सकती है लाइक यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एडवांस है या आप देखिए यहाँ पे भी पानी के थ्रू टर्माइाइन को चलाया जा रहा है यहाँ पे पानी आ रही है एंड यहाँ पे देखिए जब पानी इस टर्माइन से टकराएगी तो ये क्या है चक्का घूमेगा ठीक है चक्का इसमें घूमेगा चक्का घूमेगा तो ये घूमेगी यहाँ पे आप देखें तो कनेक्ट है इधर से रॉड निकाले हुए एंड रॉड से फिर ये घूमेगा ये घूमेगा तो ये घूमेगा ये घूमेगा तो ये घूमेगा इससे क्या होगा कि लकड़ी की कटाई होगी एंड जो भी कंस्ट्रक्शन के काम है वो हो पाएंगे सही से तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी एडवांसमेंट थी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इन फील्ड ऑफ फिजिक्स सो रोमन्स वेर वेरी मच एडवांस्ड एंड ये जो इन्वेशनस थी इन्होंने उनका जो रिलायंस था मैनुअल लेबर के ऊपर की वो पहले मैनुअल लेबर पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे सिलेब्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे अब उनकी जो सिलेब्स पे और मैनुअल लेबर पर रिलायंस है वो कम होती क्योंकि उन्होंने ऐसे इन्वेशनस कर दिए जो उनको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती थी जो उनके लिए माइनिंग में मददगार थी जो उनके लिए यू नो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ग्राइंड करने के लिए मददगार थी सो दट वॉज अ सनारियो इम्पोर्टेंट इन्वेशन डिक्रीज एंड रिड्यूस्ड द रिलायंस द डिपेंडेंस अपॉन मैनुअल लेबर उसके बाद जब हमने ये देखा कि इन्वेशन होते थे इकॉमी में यू you नो know, बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था या माइनिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी या आप देखेंगे तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते थे वो एक वन ऑफ द यू नो हाई साउट आउट कमोडिटीज़ थे ट्रेड में तो ये सारी चीज़ें पौ, तब पॉसिबल होगी जब कुछ लोग काम कर रहे होंगे ट्रेड तो तब पॉसिबल है ना अच्छा आपने इन्वेस्टर्स कर दिए इससे क्या होगा कि ट्रेड का ट्रेड की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी लेकिन ट्रेड तो अल्टीमेटली कैरीड आउट होगा वो मैनुअल लेबर से ही होगा जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट होना है वो तो मैनुअल लेबर से ही होगा ना उस समय कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होता नहीं था कि सारी चीज़ें हमने ऑटोमेट करा दिया तो उस समय भी मैनुअल लेबर्स की जरूरत पड़ती थी तो अब हम जरा देख लेते हैं कि जो मैनुअल लेबर्स होते थे पर्टिकुलरली स्लेब स्लेब की क्या हालत थी उस समय सो स्लेबरी इन द अंपायर सिलेबरी वॉज अ वेरी प्रेवलेंट सिस्टम इन एशियट वर्ल्ड जो प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी प्राचीन हिस्ट्री में पढ़ते हैं चाहे इंडियन सभ्यता हो या आप देखें तो मैसे पिटानिया हो या आप देखें तो इजिप्शियन हो चाहे रोमन्स हो चाहे पर्शियन हो सब जगह सिलेब्स प्रेवलेंट थे स्लेब तो अल्टीमेटली नाइन्टीन सेंचुरी तक भी प्रेवलेंट थे ठीक है बाद में चल के वो आते हैं हमारे अब्राहम लिंकन तो वो फिर बैन करते हैं सिलेबरी को तो सिलेबरी वॉज अ वेरी प्रेवलेंट सिस्टम इन एशियंट वर्ल्ड एंड सिलेबरी जो थी उसका एक एग्जाम्पल देखे कितनी ज्यादा प्रेवलेंट थी तो ऑगस्टस जो अम्पायर थे हमारे पहले रोमन अंपायर उस समय जो पूरी

तो स्लेब्स को ना वो लोग एज ए इन्वेस्टमेंट देखते थे क्योंकि स्लेब्स अगेन स्लेब्स को लेबर तो है नहीं एक हायर लेबर होता था एंड एक स्लेब्स होते थे तो हायर लेबर एंड स्लेब्स में फर्क क्या है कि आप हायर लेबर को आपने दिहाड़ी दी एंड उससे आप जितना भी काम कराना चाहे करा ले क्योंकि आप उसको एक या दो दिन के लिए हायर करना है स्लेब्स को जब आपने खरीदा तो उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ गई इसको आपको खिलाना पिलाना एंड ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जितने भी काम है जितने भी कार्य आपके होंगे फ्यूचर में उन सब स्लेब्स आपको मदद करेंगे सो स्लेब्स के लिए उनकी यू नो you know, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि वो अगर जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि हमारा इन्वेस्टमेंट खराब चल गया मान लीजिए हमने कोई स्लेब खरीदा एंड उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है पैंतीस साल अगेन ये बहुत ज़्यादा यू नो इन ही साउंड कर रहा होगा कि हम कोई यू नो 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 किसी पर्सन के लाइफ का आकलन कर रहा वाली बिकॉज की हमें उससे काम लेना बट दैट वाज स्लेबड़ी यही सलेबड़ी थी दास्ता इसी वो कहते हैं कि लोगों को एज ए कमोडिटी ट्रीट किया जाता था तो स्लेव्स को एज ए इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को ख़रीदा तो मान लेते हैं उसकी जो एक्सपेक्टेड ईयर है कि अभी हमने जब उसको खरीदा उसके पैंतीस सालों तक वो 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 तो अगर उसकी जो हेल्थ है वो डिटेड वो डिटेडियोरेट हो जाएगी एंड वो एग्जॉस्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि पैंतीस साल से पहले वो मान लें बीस साल के अंदर ही चला गया दैट मीन्स कि हम उससे पंद्रह साल और काम ले सकते थे लेकिन हमारे ये नुकसान हो गया सो स्लेब्स वेयर सीन एज एन इन्वेस्टमेंट तो इनको ज़्यादातर जो एक्सटेंसिव काम होते थे उनमें ऑफर नहीं लगाया जाता था ऑफर मतलब ऐसा नहीं कि इनको नहीं लगाया जाता था इनको काम में लगाया जाता था एक्सटेंसिव वर्क लाइक एग्रिकल्चर माइनिंग लेकिन बहुत सारे लोग अवॉइड करते थे, थे क्योंकि स्लेव्स उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे एंड इनकी हेल्थ का ध्यान रखना उनके इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी था दैट डज़ नॉट मीन की वो स्लेव्स के प्रति यू नो कम्पेशनेट थे वो अलग चीज़ था लेकिन कम्पेशनेट से ज़्यादा वो अपने इन्वेस्टमेंट को देखते थे स्लेव्स हमने खरीदा लाइफ टाइम के लिए और ये अगर अपने एक्सपेक्टेड लाइफ को पूरा करने से पहले ही इसकी अगर डेथ हो जाती है वल्ले बिकॉज ऑफ फिजिकल यू नो डिटेडियशन तो ये हमारे लिए तो नुकसान है सो दैट वॉज अफ सिलेवरी इन एम्पायर उसके बाद हम देखते हैं स्लेवरी को सिलेब्स को ट्रीट कैसे किया जाता था तो जो अपर क्लासेस थी ना वो बहुत ब्रोटेलिटी के साथ स्लेब्स को ट्रीट करती थी जो एरिस्टोक्रेसी होती थी वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे वहीं पे जो ऑर्डनरी पीपल होते थे स्लेब्स हर क्लास में आपको मिलेंगे अपर क्लास वाले भी रखते थे ऑर्डनरी लोग भी रखते थे क्योंकि बहुत कम दामों पर इनको खरीदा जा सकता था तो ऑर्डनरी पीपल वेअर वेरी मच कम्पैशनेट टुवर्ड स्लेब्स उसके बाद स्लेब्स के बारे में आप देखें तो एक हमने ये देख लिया है एक सोर्स आपके बुक में दिया हुआ है हमने ये देखा था कि नेरो की डेथ के बाद के आसपास यू नो ईयर ऑफ फोर फोरपेर आते हैं तो नेरो मेनियाक नेरो के टाइम में देखिए एक स्लेब अपने किसी मास्टर को मार देता है या किसी एलिट को मार देता उसके बाद सारे लोग चूंकि एलिट उस पर जुल्म कर रहे थे तो उसके बाद जितने भी लोग थे वो सारे लोग ये कह रहे थे अच्छा ये रूल ये था कि स्लेब अगर किसी एलीट को या किसी अपने मास्टर को मारेगा तो सीधे उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा ठीक है एंड उसके साथ जितने भी सलेब्स उस घर में रह रहे हैं उन सबको एग्जीक्यूट करा जाएगा लेकिन क्राउड गैदर होगी उन्होंने कहा कि भाई अगर एक आदमी ने मारा है तो बाकी को क्यों मारना है अगर मान लीजिए कि एक सलेब ने मारा है तो बाकी जो सिलेब्स को मारा जाएगा एज पर द रूल वो तो यू नो इन है वो तो बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन है तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए तो इसके बाद बहुत बड़ा राइट हो जाता है दंगे फसाद होते हैं उसके बाद नेरो खुद आके एक यूरो एडिक्ट लिखता है नेरो पूरी पॉपुलेशन को झाड़ता है कि नहीं ये तो लॉ है तो लॉ लॉ विल बी द सेम फॉर एवरी पीपल सो तो नेरो फिर आके नो ट चार्ज एंड देन ही मार्श टू आर्ट्स एंड फिर उसके बाद सारे के सारे सिलेब्स जो भी जो भी वहाँ रह रहे थे उस सबको एक्ज्यूट करा जाता था सो दैट वॉज कि हाउ ब्रूटल द नो वॉज कि नीरो कितना ज़्यादा ब्रूटल था एंड दिस इज़ अ रीज़न कि नीरो के टाइम में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है कि उसके डेथ के बाद एक के बाद एक, एक ही साल में चार एम्पेयर आते हैं एंड चारों के चारों फ्लॉप रहते थे उसके बाद बाकी केम्पेयर आके संभालते हैं बट उस समय रोमन अम्पायर में सबसे बुरेबिली डी you know, के फेज़ में था सो so ये सारी चीज़ें थी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से स्लेव्स को ट्रीट करा जाता था और फिर अगर किसी एक यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ है कि अगर एक आदमी ने मारा तो पूरे के पूरे कम्युनिटी को जितने भी स्लेव्स वहाँ रह रहे हैं उन सबको करा जाएगा दैट वॉज द पनिशमेंट उसके बाद डिक्लाइन इन सप्लाई ऑफ स्लेब्स अच्छा स्लेब्स आते कैसे थे जैसा मान लीजिए कि, कि किसी राजा ने किसी अम्पायर ने किसी दूसरे देश पे आक्रमण किया तो वहाँ पे जब उस यू नो लड़ाई को जीत जाता था तो वहाँ के लोग स्लेब्स बना के रख लिए जाते थे तो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास ऑगस्टस के डिज़ाइन के बाद तो कोई एक्सपेंशन का काम हुआ ही नहीं तो स्लेब्स नए लाए कहाँ से जाएंगे

तुम रिप्रोड्यूस करो एंड उसके उससे क्या होगा कि जो नया प्रोडक्ट निकलेगा जो तुम्हारा प्रोजेक्टिंग निकलेगा वो हमारे लिए नया स्लेब होगा तो इसको स्लेब ब्रीडिंग बोलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक जो बच्चा जो अभी आया भी नहीं दुनिया में उसकी जो यू नो फेट है वो पहले से प्री डिसाइडेड है ठीक है तो इस तरीके से वहाँ पर ड्राइकोन सिचुएशन थी या ब्रुटैलिटी होती थी उनके ऊपर उसके बाद आप देखेंगे तो स्लेब्स के ऊपर इकोनॉमिक्स क्या कहते थे स्लेब्स को किस तरीके से रखा जाता था स्लेब्स के स्लेब्स को लेके जो यू नो कैलकुलेशन जो फाइनेंस थे वो किस तरीके से नेट किया जाता तो उसको देखें आप तो स्लेब्स की जो पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ अब देखा जाने लगा कि स्लेब्स अब आ ही नहीं रहे क्योंकि वॉरफेयर हो ही नहीं रहा है लड़ाइयाँ जब तक नहीं होगी तब तक कैसे एक्सपेंशन होगा एंड एक्सपेंशन होता तो तभी तो वहाँ के लोगों को हम स्लेब बना के रख लेते थे, थे ना तो स्लेब्स का यू नो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जा रहा था तो लोगों ने सोचा कि स्लेब्स की तो पॉपुलेशन पहले से कम है एंड इनको हम लाइफ टाइम के लिए खरीदते हैं तो हम क्या करेंगे इनको एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर एंड माइनिंग उसके लिए थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम बाकी की चीज़ों के लिए चाहे एग्रीकल्चर हो या यू नो माइनिंग प्रोजेक्ट हो उसके लिए हम स्लेव्स की जगह हायर लेबर्स को यूज़ करेंगे उसको दिहाड़ी देंगे हायर लेबर फ्री होते थे वो कोई गुलाम नहीं होते थे उनको दिहाड़ी दो एक दो दिन की अपना काम करके उसे जितना काम करवा करवा लो एंड उसके बाद वो अपना काम करके निकल जाएंगे सो दैट वॉज हाउ द स्लेब्स वेर बींगूटेड बाई हाइड लेवल्स वनली बिकॉज के जो मास्टर्स थे वो नहीं चाहते थे कि स्लेब्स का नुकसान हो क्योंकि उनकी तो लाइफ टाइम होती है उनको हमने खड़ी लिया तो लाइफ टाइम के लिए खरीद लिया तो वो अगर पहले अपने लाइफ स्पैन को पूरा करने से पहले ही वो अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो दैट इज बेसिकली अ लॉस हमने एग्जाम्पल करके तो दिखा लिया ना लाइक हमने टू में एक स्लेब खरीदा एंड उस समय उसकी एज है फिफ्टीन ईयर्स मान लेते हैं और उस हमने एक्सपेक्ट किया है कि वो पचास साल जिएगा दैट मीस कि वो पंद्रह पैंतीस साल अभी सर्व कर सकता है लेकिन हमने उसे इतना ज़्यादा यू नो सप्रेस किया इतना ज़्यादा काम लिया कि उसकी डेथ होगी पैंतीस साल में ही तो वो तो लगभग बीस साल सर्व कर पाया ना तो पंद्रह साल जो बचे नुकसान के वो तो हमारे लिए लॉस है एज एन इन्वेस्टमेंट हमने पंद्रह साल का नुकसान कमाया सो दैट वॉज दियो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्लेव्स के अलावा एक और कम्युनिटी होती थी जिसको फ्रीडमैन कहते थे जैसे सिलेब्स का हमने इस्तेमाल बताया कि कंस्ट्रक्शन में किया जाता था एग्रीकल्चर में करा जाता था और भी चीज़ों में करा जाता था तो वैसे ही फ्रीड मैन एक हाइड लेबर थी हाइड लेबर माने कि उसका वो उसको एक हाइड लेबर हुआ करती थी उसका कोई करेक्शन नहीं था स्लेवरी से वो फ्री होते थे फ्रीडमैन क्या होते थे ऐसे लोग जो पहले स्लेब थे लेकिन बाद में उनके मास्टर्स ने उनको फ्री कर दिया उनको गुलामी से आज़ाद कर दिया तो जब उनके मास्टर्स ने उनको गुलामी से आज़ाद कर दिया देन उसके मास्टर्स अब सोचते हैं कि अब हमने इसको आज़ाद कर दिया तो दे बेसिकली वो अपने मास्टर्स के यहाँ बिजनेस मैनेजर बन के रहते थे या छोटे मोटे काम करते थे गुलामी नहीं करते थे बिजनेस मैनेजर बन के रहते थे एंड उनके मास्टर जो जिन्होंने उनको आज़ाद किया वो इतने ज़्यादा कम्पेशनेट होते थे कि ये उनको मदद भी करते थे अपने पुराने सिलेबस को जो अब आज़ाद हो चुके हैं एज ए फ्रीड मैन सोसाइटी में उनको मदद करते थे उनके अपने बिजनेस को सेटअप करने में सो so, बेसिकली जो मेजारिटी ऑफ़ फ्रीड मैन होते थे वो या तो अपने पुराने मालिक के यहाँ बिजनेस मैनेजर बन के काम करते थे उनकी बजनेस को देखते थे या खुद का अपना बिजनेस शुरू करते थे ऑफ दियर मास्टर जाती थी स्लेव्स लाए जाते ब्रीडिंग कराई जा रही है तो स्लेव्स की जो इतने स्लेव्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्लेब्स को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाता था गुलामा को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता था, था तो हाउ द स्लेब्स वेयर बींग्रोल्ड सबसे पहली चीज कि स्लेब्स को कंट्रोल करने के लिए उनको एक ग्रुप्स में अरेंज किया जाता था, था एक गैंग्स में तकरीबन दस या बारह लोगों का गैंग होता था एंड इसलिए अरेंज किया जाता था ताकि हम उन पर सुपरवाइज अच्छे से कर सकें हम पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल स्लेब को अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर सकते लेकिन अगर ग्रुप्स में रहेंगे तो उनको एक सुपरवाइजर उसके पीछे लगा के हम बढ़िया से सुपरवाइज़ कर सकते हैं ताकि वो सही से काम करें लेकिन जैसा एक प्लेनी एक हिस्टोरियन होते हैं बहुत एंशियंट रोम में उन्होंने कहा कि ये जो सुपरविजर का तरीका था ना गैंग्स में ग्रुप में बांट के वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता था क्योंकि स्लेब्स को और फिर चीन में बांध करके काम कराया जाता था क्योंकि चूंकि दस बारह लोग साथ काम करेंगे तो उनको चीन में बांध कर रखा जाता था एक चीन में दस बारह लोग हैं दैट मीन्स कि इन्होंने एक गैंग फॉर्म करा फिर दूसरे गैंग में चीन से बने हुए लोग होते थे तो आप सोचते थे कितना ज़्यादा इन्यूमन रवैया लोग रखते थे स्लेब्स के प्रति उसके बाद स्लेब्स भाग ना जाए अपने काम को छोड़ के इसलिए स्लेव्स की एपराउस पे एक स्ले, सील लगा दिया जाता था स्लेव्स अगर भागना चाहेंगे तो अपने यू you नो know, उनके सील से हम पता लगा सकते हैं कि ये भागा हुआ है क्योंकि अगर वो काम से फारिक होते थे तो वो कपड़ा उनको वापस उनको वापस देना पड़ता था दैट मीन्स कि अगर वो सील लगे हुए कपड़े में दिखेगा दैट मीन्स कि उन्होंने अपने काम से चोरी किया भाग गए फिर तो उनको वापस से व्यूटैलिटी के थ्रू पकड़ के लाया जाता था दोबारा उनको मार पीट के काम पर लगाया जाता था उसके बाद एक जो कंट्रोल करने का तरीका था दैट वॉज डेट कॉन्ट्रैक्ट डेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था जो मनी लेंडर होते थे ना इन्होंने किसी को यू नो पैसा दिया एंड वो पैसा कोई यू you नो know, चुका नहीं पाया तो वो क्या होते थे उसको अपना स्लेब्स बना के रख लेते थे तो मनी लेंडर्स अपने अंडर बहुत स्लेब्स रखते थे डेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्होंने एक किसी आदमी को यू नो कर्ज दिया एंड वो आदमी कर्ज जब नहीं चुका पाता था तो उसका एजे स्लेब्ब्स बना के रख लेते थे इससे क्या होता था कि जो भी लोग कर्ज़ लेते थे मोस्ट ऑफ द पीपल फेल दिलेबड़ी ऐसा होता था कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपने यू नो चाइल्ड को एज स्लेब दे दे थे मनी लेंडर के पास मनी लेंडर्स इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे स्लेब्स को बॉन्डेज बना के रखने में बंधुआ मजदूरी कराने में जो कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा चलती थी एक टाइम में सो इन डेट कॉन्ट्रैक्ट स्लेब्स मेर मेड बॉन्डेज अगेंस्ट द डेट की यू नो कर्ज के अगेंस्ट उनको बॉन्डेज बना लिया जाता था अगर आप कर्ज नहीं चुकाओगे तो आपको बंधुआ मजदूर बना के अपने रखेंगे यू आर बेसिकली स्लेब इफ यू अ वॉज ऐसा बोटेलिटी ऐसी मनी लेंडर्स किया करते थे इसीलिए जूस रिवॉल्ट होता है एक रिवॉल्ट होता है सिक्सटी सिक्स सी में जो जुडैया है जो आपका फेलस्टीन का इलाका आज का वहाँ पर एक रेबेलिन होता मनी लेंडर्स के खिलाफ जो मनी लैंडर्स बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे लोगों को कर्ज दे अपना स्लेब बनाते थे उनके खिलाफ जो पॉपुलेशन थी जूशों की यहूदियों की उन्होंने रिबेल कर दिया एंड उसको फिर मेन इशू यही था कि मनी लेंडर्स बहुत ज्यादा यू नो डेट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बहुत ज़्यादा प्रोविजन्स रखते हैं एंड यू नो रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो लोग ऑब्वियसली सेवरी में जाएंगे ही जाएंगे एंड कई लोग तो लाइफ टाइम के लिए चले जाते हैं जैसा मैंने एक्जाम्पल्प्ल बताया आपको कि पेरेंट्स अपने चाइल्ड को रख दिया उन्होंने अब चाइल्ड की कोई गलती भी नहीं है उसने तो लोन लिया भी नहीं फिर भी वो सिलेब है किसी मनी लेंडर का सो so ये जो चीज़ थी इसने बहुत परेशान किया जुड़े गए के लोगों को एंड अल्टीमेटली दे रिवोल्टेड अगेंस्ट दडी लेंडर एंड रोमन डोमिनेशन लेकिन बाद में चूंकि रोमन अम्पायर बहुत बड़ा था जीनो मडी लेंडर्स की बहुत ज़्यादा पहुंच थी रोमन रुमन रोमन अम्पायर में तो इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया जाता है एंड इसी जोइ रिवोल्ट को रोमन वॉर का भी नाम देते हैं so, द जुइ रिवॉल्ट सिक्सटी सिक्स सी इज़ ऑफिन कंसिडर्ड एज जुइश वॉर एंड क्यों हुआ था क्योंकि मरे एंडर्स बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बना के अपने अंदर रखते थे डिड डेड रूप में स्लेब्स को एंड बहुत ज़्यादा ब्रोटैलिटी करते थे सपरेशन करते थे इसीलिए लोगों ने बगावत करी एंड मार धाड़ करी एंड उसके बाद अल्टीमेटली रोमन एम्पायर के ऑफिशियल्स आते हैं एंड इस रिवॉल्ट को क्रश कर देते हैं उसके बाद जो चीज़ है हमारी दैट इज सोशल हायरकी की हायर्की कैसे थी समाज में समाज में जो तबके थे वो किस तरीके से बटे हुए थे तो सबसे पहले आता था अपर क्लास अपर क्लास में जो सीनेटर्स होते थे वो आते थे जो इक्वेट्स होते थे इक्वेट्स मींस की जो घुड़सवार घुड़सवारियन क्लासेज इक्विस्टेडियन क्लासेस दैट मीस की घुड़सवार जो हॉर्स राइडर होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी फ्लीट्स होती थी घोड़ों की एंड इनके पास जमीनें भी होती थी ये बैंकर्स भी होते थे या व्यापार भी करते थे तो अपर क्लास बेसिकली कंप्राइज ऑफ सीनेटर्स एंड इक्वाइट्स इक्वाइट्स मीन्स कि जो घुड़सवार होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी ये भी सीनेटर्स से कोई कम पावरफुल नहीं होते थे इसके बाद मिडिल क्लास मिडिल क्लास में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स एंड मिलिट्री के ऑफिशल्स आते थे जो सरकार पे डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए क्योंकि इनका खर्चा पूरा सरकार से आता है चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे मिलिट्री ऑफिशियल्स हो एंड जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो भी मिडिल क्लास में आते थे तो मिडिल क्लास एंड अपर अपर क्लास ये दोनों क्लास बहुत ही ज्यादा इफ्लूएंट था इन द सोशल सोल की विल बी टॉक अबाउट रोमन अंपायर उसके बाद सबसे निचला तबका था लोअर क्लास इसमें कौन कौन से लोग आते थे तो लेबर्स आते थे आर्टिसन्स आते थे जो कारीगर थे छोटे मोटे किसान आते थे एंड ओवसली स्लेब्स वो आते थे सो so, लोअर क्लास की जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब थी एंड मज़ा मज़े कौन मार रहे थे तो अपर क्लास एंड मिडिल क्लास सो so, इनकी जो सैलरी होती थी अपर क्लास या मिडिल क्लास की वो बहुत ज़्यादा होती थी एंड दे बेसिकली दे मेज द ओनर ऑफ यू नो ह्यूज स्टेट्स इनकी तैदादें बहुत ज्यादा होती थी चाहे वो सीनेटर्स हो इक्वाइट्स हो ब्योक्रेट्स भी अपनी सैलरी से बहुत ज्यादा स्टेट्स खरीदते थे एंड अल्टीमेटली ये भी सीनेटर्स बन जाते थे मिलिट्री ऑफिसर्स को भी सैलरी मिलती थी तो वो भी इन्वेस्ट करके यूनो you know, लैंड खरीदते थे अपने लिए एंड इस समय ना ये जो एरा है शुरू का उस समय जो वेल्थ है वो स्टोर्ड है लैंड में ये जो एंशियंट एरा में न आप देखें तो वेल्थ वॉज स्टोर्ड इन लैंड जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है इसी तरीके से जब मेडावल एडा में जब इंडस्ट्रियल रिवोलूशन आता है तो उस समय वेल्थ वॉज स्टोर्ड इन इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रीज के पास ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा अमीर है एंड नाउ इन दिस ट्वेंटी सेंचुरी जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज है वो उतना ज़्यादा यू नो वेल्दी है सो so, द पर्सन ग्रेटर नॉलेज एंड उसको एप्लीकेशन बताइए किस तरीके से लगाई जाती है नॉलेज को द पर्सन यू नो होल्डिंग मच ऑफ नॉलेज वो उतना ज्यादा वल्दी हो सकता है अगर उसको एप्लीकेशन आती है अपने नॉलेज की तो दैट अबाउली ऑफ रोमन एम्पायर अपर क्लासराइज ऑफ सीटर्स एंड एकट्स मिडिल क्लास में ब्यूरोट्स मिलिट्री ऑफिस्ट रिच मर्केंट्स आते थे लोअर क्लास में वही लेबर्स आर्टिशंट स्मॉल फार्मर स्लेब्स एक्सेट्रा वो लोग आते थे एंड उसके बाद हमने अर्ली एम्पायर की सारी चीज़ें पढ़ लीं अब हम लोग जो लेट एंटीक्विटी है यानी कि थर्ड सेंचुरी के बाद क्या चीजें हुई एंड क्यों रोमन का बाइफर्केशन होता है कॉन्स्टेंटाइन के समय क्या चीजें हुई कैसे कैपिटल बदला जाता है ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में सो so, हमने अर्ली एम्पायर के बारे में सब कुछ जान लिया सोशल स्ट्रक्चर से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आर्मी से लेके एम्पयर से लेके कैसे फाउंडेशन ले एड करी जाती है कैसे जेंडर था कैसे लैंग्वेज डाइवर्सिटी थी कल्चर कितना ज्यादा डाइवर्स था हमने सारा कुछ जान लिया अब हमें जानना है लेट एंटीक्विटी के बारे में अगेन हम पुराने उस ट्री स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि हमने बनाया था पहले इस लेक्चर में रोमन अंपायर में हिस्टोरियंस रोमन अंपायर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर कन्वीनियंस पहला हमारा आता अर्ली अंपायर जो कि 27 सेवन बी सी से जब ऑगस्टस ने इस अंपायर की शुरुआत करी थी वहाँ से 284 एटी फोर डी तक का समय था उसके बाद लेट रोमन अम्पायर जो कि 284 एटी फोर डी के ऑनवार्ड था उसके बाद लेटर रोमन अम्पायर में आगे चल के देखेंगे 395 नाइनटी फाइव ई डी के आसपास बायफर्गेशन होता है यानी कि दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रोमन अम्पायर जिसको कि हम बाइजेंटियम अंपायर भी कहते थे क्यों कहते थे बाइजेंटियम अम्पायर उसको आगे देखेंगे तो हमने ये ट्री देख लिया हमने इतनी पोर्शन को अभी तक खत्म कर लिया अब हम इसको पढ़ेंगे ब्रीफ में क्योंकि लेट रोमन अम्पायर अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है तो इसको एक चैप्टर में सबअप करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सो हम इसको ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हाईलाइट करते हुए उसके बाद जो उससे पहले लेट एंटिक्विटी में जाते हैं उससे पहले थर्ड सेंचुरी में क्या हुआ थर्ड सेंचुरी क्राइसिस देखते हैं कि हमने ये देखा था कि सेकेंड सेंचुरी तक रोम रोमन अम्पायर में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी थी ना कोई एक्सटर्नल वॉरफेयर होता था ना ही कोई सिविल वॉर्स हो रहे थे लेकिन थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में थर्ड सेंचुरी आते आते अचानक से चारों तरफ से हमले शुरू हो गए होता क्या है बेसिकली ये अंपायर आप देखें एंड ये आपका रोमन अम्पायर ठीक है थर्ड सेंचुरी में यहाँ आप देखें तो इस पार ना पर्शियन रूल कर रहा है उस समय टू थर्टीज़ के आसपास टू थर्टीज़ ई के आसपास ससैनियंस का रूल स्थापित हो गया था पर्शिया में एंड इस तरफ जो है बहुत सारे जर्मेनिक ट्राइब्स हैं अलग अलग ट्राइबल कॉन्फेड्रेसीज बना के रोमन अम्पायर पर अटैक किया जाता है सो थर्ड सेंचुरी ए डी द अटैक ऑन द रोमन अम्पायर फ्राम द टू साइड्स की दोनों तरफ से दो तरफा अटैक होता है नॉर्थ से जो जर्मेनिक ट्राइब्स हैं वो अटैक करती हैं एंड इधर से जो पर्शियन अंपायर था ससैनियन पर्शिया में जो अम्पायर था तभी ससैनियन वो अटैक करता है हमने आपको बताया था कि पर्शिया एंड रोम में हमेशा राइवलरी चलती थी तो बेसिकली ससैनियंस अटैक फ्रॉम ईस्ट इस तरफ से ससैनियंस अटैक करते हैं एंड इस तरफ से आप देखेंगे तो जर्मेनी ट्राइब्स एक ट्राइब की कन्फेड्रेसीज थी बहुत सारे ट्राइब्स उसमें आते थे फ्रैंक्स आते थे गोस् आते थे जो एलैमनी जो आप देखेंगे तो पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के इलाके में उसमें फंक्शन कर रहे थे वो सारे अटैक करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ कलेक्टिवली तो जो अम्पायरस थे उस समय उनके उनके सामने दोनों तरफ से संकट था इधर ईस्ट से आप देखेंगे तो सैनी एम्पायर अपने आप में एक बहुत बड़ा अम्पायर था उसको सामना करना है ऊपर से एक जो ट्राइबल ये जो कॉन्फेड्रेसीज है जहाँ पे बहुत सारे ट्राइब मिलकर हमला कर रहा है तो ये तो और ज़्यादा बैरबेरियन हो जाता था क्योंकि ट्राइब्स बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज थी एंड वो किसी भी हद तक गुजर सकती थी तो इस इलाके में आप देखेंगे द होल थर्ड सेंचुरी ये पूरे थर्ड सेंचुरी के दौरान इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी कि पूरे सैंतालीस साल के दौरान पच्चीस अंपायर बदले जाते हैं एक के बाद एक अंपेयर लड़ाई कर रहे हैं सैनियस के खिलाफ या ट्राइबल कॉम्प्रेटर के खिलाफ मारे जा रहे हैं हारे जा रहे हैं लेकिन सैंतालीस साल के अंदर आप देखेंगे तो ट्वेंटी फाइव यू नो स्टैंड द थ्रोन यानी कि इस सैंतालीस साल के अंदर लगभग हर एक सोचे अगर ऑन एन एवरेज ले तो हर एक, एक डेढ़ दो साल में एक अंपेयर बन जाता था सो दैट वाज अ सिनेरियो अगर कोई एम्पायर बना दैट मीनस कि पिछला एम्पेयर या तो मारा गया है या उसकी हार हो गई है सो दैट वॉज अ सिनेरियो इस तरीके से चैलेंजेस का सामना कर रह, पड़ रहा था क्योंकि इससे पहले जो दो सेंचुरीज से हमने गुजारी उसमें तो कोई हम एक्सटर्नल वॉरफेयर लड़ ही नहीं रहे थे पार्थियन से हमारा उतना यू नो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था अगेन ट्राइब से भी हमारा उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो हम उससे पहले तो कुछ कर ही नहीं रहे थे अचानक से थर्ड सेंचुरी में इधर से हमने देखा नौ

इसकी शुरुआत होती है रन ऑफ डाइक्शन से डाइक्शन की जो यू नो रिजाइम है उसका शुरुआत होता है 284 एटी के आसपास एंड डाइक्लेशन के समय आप देख सकते हैं कि ये जो रोमन अम्पायर था डाइक्शन की शुरुआत जब 284 एटी फोर में हुई है तो रोमन अम्पायर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही हो चुका है जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड पहले ही ले लिया ससैनियन एक के बाद एक, एक अटैक करते जा रहा है तो डाइक्शन ने सोचा कि जो हमारे पास ऐसी टेटरीज़ है जिनका कोई इम्पोटेंस नहीं है कोई स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस नहीं है उसको दे देते हैं उसको छोड़ देते हैं तो उन्होंने इसको अपने आर्मी कमांडर्स में बांट दिया और इससे क्या होता है कि रीजनल पावर्स उभर के आती हैं या आप डेक्लेशन के समय में देखेंगे तो ये जो यू नो एरियाज़ को एबैंडन करते जा रहे थे या एरियाज़ को इंटरेस्ट करते जा रहे थे किसी अपने दोस्त को देते दे थे, थे या मिलिट्री कमांडर्स को इससे इससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि अंपायर का बाइफर्गेशन हो गया तीन पार्ट में बाइफर्गेशन नहीं अगर स्प्लिट कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा टू नाइन्टी के आसपास देखेंगे तो अंपायर का यू नो स्प्लिट हो रहा है

इंपॉर्टेंट यू नो एरियाज से उनको अपने दोस्तों में बांट दिया या मिलिट्री कमांडर्स को दे दिया सो so, उससे क्या होता है कि अलग अलग रीजनल पावर्स उभर के आते हैं यहाँ पे आप देखें एक पावर रूल कर रही है जो पिंक कलर में येलो कलर में एक पावर है यहाँ पे देखें तो पर्पल कलर में एक अलग पावर है तो इससे क्या होता है कि स्प्लिट होता है पावर स्प्लिट होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होता है क्योंकि इससे पहले जितने भी एम्पायर्स आए थे उन्होंने कम से कम जो सत्ता थी उसको होल्ड ऑन करके रखा था टेटरीज तो को कम से कम स्प्लिट नहीं होने दिया था सो दैट वॉज द लेट इंटिक्विटीड विद द रन ऑफ यू नो डेड एंड द स्प्लिट ऑफ रोमन एंपायर इन टू थ्री पार्ट्स उसके बाद आते हैं हमारे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ये आपके पास उनकी स्टैचू है एंड उसके बाद इनका जो रिजाइम है वो 306 से 337 ये साडी की साडी चीजें एडी में है यानी कि आफ्टर क्राइस्ट एन डोमिनी आफ्टर कैश्टे सब बी में नहीं है बी में जितने भी पहले के लोग थे बी में तो हमारा लगता है कि एक ऑगस्टस है उसके बाद टस भी तो ए में ही रूल करते हैं तो दैट वॉज अ सीनारियो इसका जो रिज़ाइम था वो तीन से तीन सौ ईस्वी तक चलता है एंड इसके लिए में कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए रोमन रुम, अंपायर के कॉन्टेक्स में अगर कहते तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि इसने मोनिटरी सिस्टम को ही बदल दिया इससे पहले रोम में क्या होता था ना सिल्वर क्वाल्स सिल्वर के डिनोमिनेशन यू you नो know, इशू की जाते थे डिनोमिनेशन का सेंस से यहाँ क्वेंस से आप लें लेकिन सिल्वर की जो शॉर्टेज होगी अचानक से उसकी जो सप्लाई थी बहुत ज्यादा कम होगी तो ये क्या करते हैं भाई साहब ये कहते हैं कि अब हमारा जो कॉइन होगा वो गोल्ड में इशू करेंगे हम लोग यानी कि हमारा जो डिनोमिनेशन है करेंसी का वो अब गोल्ड में पैक कर दिया हमने गोल्ड में हमारी जो करेंसी वो इशू होगी तो सिल्वर का अब कोई भी काम नहीं है इसके बाद जो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है मार्केट में इसने एक नए तरीके से मोर्ट्री सिस्टम को चैनलाइज करा पहला काम यह था कि इन्होंने सीधे के सीधे गोल्ड करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी मार्केट में रोमन अंपायर में एंड ये

वाइजेंटियम का नाम बदल के इसने अपने नाम पे कस्टैंटिनोपल किया एंड सिटीज को बनाया इस सिटी को इतना तगड़ा बनाया था कि सिटी के बारे में कहा जाता था कि दिस वाज नेक्स्ट टू रोम अगर ये रोम के बराबर नहीं था तो ये रोम से कम भी नहीं था सो दैट वाज अ सिटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल यहाँ पे वाटर मिल्स लगाया गया यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई बड़े बड़े पैलेसेस बनाए गए जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं सारी चीज़ें बनाएगी एंड कस्टेंटिनोपल को सेकेंड कैपिटल का दर्जा दिया गया सो so एक तो रोम पहले से हमारे पास कैपिटल है रोमन एम्पायर की उसके बाद कंस्टेंटिनोपल को भी रोमन एम्पायर की कैपिटल का दर्जा दिया जाता है उसके बाद इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज खड़ी वो थी कि ये उससे पहले हमने देखा था कि रोमन अम्पायर में पोलिथिजम चलता था बहुत सारे लोग अपने ग्रीक गॉड्स को भी मानते थे रोमन गॉड्स को भी मानते थे इजिप्शियन गॉड्स को भी मानते थे पोलिथिजम का जमाना था लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने क्या करा वो सबसे पहले खुद क्रिश्चियन फेथ को अडॉप्ट करता है सबसे पहले खुद क्रिश्चनाइज़ होता है देन उसके बाद से जब हमारा अंपायर ही क्रिश्चनाइज़ हो गया उसके बाद से जितनी भी चर्चेज थी उन्होंने इतना मास कैंपेन शुरू किया कि विद इन टू और थ्री सेंचुरीज़ पूरा का पूरा रोम एंड ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप सारी चीज़ें क्रिश्चनाइज़ हो जाती है उसके बाद फिर इस्लाम का वेव आता है तो इजिप्स इजिप्ट विजिप्ट सब आप जब देखेंगे अभी अभी मुस्लिम कंट्रीज हैं पहले ये सारी की सारी कंट्रीज क्रिश्चनाइज हुआ करती थी क्रिश्चियन कंट्रीज इस तरीके से पहले कॉन्स्टेंटाइन खुद क्रिश्चनाइज होते हैं देन इनकी पूरी प्रजा एक सौ डेढ़ सालों के आने के बाद पूरी की पूरी प्रजा को you know, क्रिश्चनाइज कर दिया जाता है बिशप्स के द्वारा फादर्स के द्वारा क्लर्जी क्लासेस के द्वारा सो दैट वाज द थ्री अचीवमेंट सबसे पहला तो मॉनेटरी सिस्टम को ही पूरा बदल दिया कि हमने कहा कि आज से हम सिल्वर की करेंसी इशू करना बंद कर रहे हैं आज से हम गोल्ड में करेंसी इशू करेंगे उसके बाद कंस्टेंटिनो की जो इसने स्थापना करी जो सेकंड कैपिटल बनाया इसने एक लैंडमार्क इवेंट क्रिएट किया क्योंकि जब बाईफर्केशन होगा तो एक कैपिटल हमारी वेस्टर्न रोमन एम्पायर की रूम रहेगी एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल कंस्टेंटिनो रहेगी एंड ये कस्टेंटिनो का इंडियन हिस्ट्री से भी बहुत ज्यादा नाता है इसको आगे चल के देखेंगे उसके बाद आप देखें तो बाईफर्गेशन देखते हैं किस तरीके से दो टुकड़ों में बढ़ता अंपायर सो द दम्पायर वाज बाईफर्गीटेड इन 395 एडी फाइव एडी के आसपास से इस का बाईफर्गेशन हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ थियोडोसियस थियोडोसियस फर्स्ट जो अम्पायर थे उसके डेथ के बाद उनके लड़के ने सोचा कि अब अम्पायर को यू नो रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा तो अब इसको बाईफर्गेट कर देते हैं तो इस तरीके से बाईफर्गेशन होता है ये हमारा देखिए एक लाइन आप खींच लें इस तरफ का जितना भी इलाका है और इस तरफ का जितना इलाका तो आप ये जो इलाके देख रहे हैं यू नो ब्राउन कलर में दैट वाज वेस्टर्न रोमन अंपायर एंड ये जो इलाका आप देख रहे हैं पर्पल कलर में दैट वाज ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न रोमन अम्पायर ये ईस्टर्न हो गया या वेस्टर्न हो गया ईस्टर्न वेस्टर्न ईस्टर्न रोमन अम्पायर की राजधानी क्रस्टेंटिनोपल थी एंड वेस्टर्न रोमन अम्पायर की राजधानी रोम हुआ करती थी अ रोम कैपिटल ऑफ वेस्टर्न रोमन अम्पायर एंड हेर इज द कंस्टेंटिनोपल कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन अम्पायर तो अब देखते हैं कि बाइफर्गेशन जो हुआ उसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे सबसे पहली जो चीज़ आती है देखेंगे वेस्टर्न रोमन अंपायर में किस तरीके से इसके प्रभाव इम्पैक्ट पड़ते हैं तो वेस्टर्न रोमन अंपायर बुरी तरीके से प्रभावित होता है क्योंकि हमने मैप में देखा था तो वेस्टर्न रोमन अम्पायर सीधे सीधे ट्राइब्स के कब्जे में आता है सीधे सीधे ट्राइब्स के कलेक्शन में था ऊपर पूरी की पूरी जर्मनी ट्राइब्स की कम्युनिटी हो रही है तो उन्होंने अटैक कर करके वेस्टर्न रोमन अम्पायर को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर दिया एंड हिस्ट्री एं में आठ सालों के बाद इससे पहले तीन सौ के आसपास रोम को पहली बार रोम के ऊपर हमला किया गया था एंड उस पूरी सिटी को लूटा गया था तो आठ सालों के बाद 410 एडी में वो जो ट्राइबल यू नो कॉन्फिडीज थी वो रोम में घुसाती है रोम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है यू you नो know, घर चलाया जाता है औरतों को लूटा जाता है सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं एक सिटी को तबाह करने के लिए वो करी जाती है एंड देन वेस्टर्न रोमन अम्पायर हैड बी डिस्ट्रॉयड बाय द जर्मेनिक ट्राइब्स अल्टीमेटली चार सौ छिहत्तर ईडी तक आते आते ये जो वेस्टर्न रोमन अंपायर था वो डिस इंटीग्रेट हो जाता है एंड उसके बाद डार्क एज शुरू होता so, है यूरोप में सो डार्क एज इसके बाद शुरू हो जाता है एंड सामंतवादी प्रथा जिसमें कि छोटे छोटे यू नो जो सामंत होते थे वो संभालते थे एज कम्पेयर टू एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है फ्यूडरिज्म में जबकि छोटे छोटे सामंतों में सत्ता बटी होती है इससे क्या होता है कि एक यूनिटी नहीं बन पाती एंड कोई भी एक्सटर्नल पावर जब आपके ऊपर अटैक करेंगे तो यू विल बी डिस इंटीग्रेटेड एंड आपको लूट लिया जाएगा आपको यू नो कैप्चर कर लिया जाएगा यही होता है जब इस्लामिक इन्वेजन होता है तो वेस्टर्न रोम वेस्टन एम्पायर में पूरी तरीके से क्योंकि वो तो पूरा डिसेंट्रिकेट हो चुका है एंड वहाँ पे फ्यूडलिज्म है यानी कि छोटे छोटे लोग अलग अलग इलाकों पे यू नो रूल कर रहा है तो जब इस्लामिक इन्वेजन होता है, तो कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी ही नहीं तो कैसे ये लोग यूनाइट हो पाते हैं? तो इस तरीके से क्रूसेट्स में देखेंगे तो बुरी तरीके से इनको हराया जाता है तो डार्क एज जो शुरू हुआ डार्क एज मीस मतलब कि ना तो किसी लिटरेचर में एडवांसमेंट हुई ना इनिवेशन में एडवांसमेंट हुई ना इकोनॉमिक्स में हुई ना फिजिक्स में हुई ना केमिस्ट्री में हुई ये सारी चीज़ें जो रोमन एम्पायर में हमने देखी थी चाहे वो वाटर टेक्नोलॉजी थी मिलिंग टेक्नोलॉजी थी हाइड्रोलिक मिल्स हमने बनाए ये सारी चीज़ें चाहे वो माइनिंग करते थे कंस्ट्रक्शन इतना बढ़िया करते थे वो सारी चीज़ें लुप्त होती चली गई एंड ये जो डार्क एज था तकरीबन पाँच सौ एडी से लेकर आप देखेंगे थोड़ा नेशा जब तक आता है तेरह सौ चौदह का ले लें तो इस आठ सौ नौ सौ सालों तक ना ही कोई मेटेरियल एडवांसमेंट होती है ना ही कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ चर्च का यू नो रूल रहता है एंड पूरी की पूरी जो वेस्टर्न एम्पायर जो पहले वेस्टर्न अंपायर होता था बाद में तो पूरे के पूरे ट्राइब्स इनको लूट लिया तो छोटे छोटे सामंतों में ये बट गया छोटे छोटे फ्यूडल्स में ये बट गया यानी कि इस तरफ के एरिया कुछ एक ट्राइब रूल कर रहा फिर बगल वाले ट्राइब बगल वाले एरिया में कोई दूसरी ट्राइब रूल कर रही तो होता क्या था जब एक कोई इस्लामिक रिविज़न आएगा बहुत बड़ा सा तो इस सारे एरियाज़ जो डिसइंटीग्रेटेड थे पहले से तो इन सारे एरियाज़ पर आसानी थी क्योंकि इस्लामिक रिवीज़न तो बहुत बड़ा था एंड ये सारे लोग डिसइंटीग्रेटेड थे डिसयूनाइटेड थे तो आसानी से देखेंगे तो इस्लामिक रिवीज़न जब होगा तो ये लोग इस्लामिक यू नो जो टेटेड वो स्पेन तक पहुँच जाती है स्पेन पॉचुगल तक अटलांटिक तक उसके अगेंस्ट ईस्टर्न वर्ल्ड अम्पायर में क्या हुआ था बाईफर्गेशन के बाद थ्री नाइनटी फाइव ए के बाद तो ईस्टर्न वर्न अंपायर कंटिन्यू टू तो बी प्रॉस्पर्ड एंड स्टैंडल अचीवड एक्सेलेंस आप देखेंगे तो ये जो यू नो आर्किटेक्चर है जयसोफिया का ये उस समय बनाया गया था जब यू नो यहाँ पे इस्लामिक रूल नहीं था जब वहाँ पे रोमन अम्पायर का कब्जा हुआ करता था अल्टीमेटली शायद थ्री सिक्सटी सेवन ए के आसपास पहले ये चर्च हुआ करता था बाद में जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ का को गिराया जाता फोटी फिफ्टी थ्री में उसके बाद इसको मॉस्क में बदला जाता है एंड रिसेंटली इसको फिर से बाद में फिर इसको जब यू नो टर्की आज़ाद होती है तो टर्की जब खलीफाओं का रूल ख़त्म होता है तो इसको फिर म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाता है दैन फिर अगेन एक जजमेंट आई है कि इसको फिर से अगेन मॉस्क में बदलेंगे सो दैट वॉज ये सोफिया ईस्टर्न वन अम्पायर में एक अम्पायर हुए थे जस्टिनियन उनका जो रिजाइम था बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेटर रिजाइम था उनके टाइम में हालांकि एक प्लेग भी आता है जो फेमस है जस्टिनियन प्लेग के नाम से बहुत सारे लोग मारे भी गए थे लेकिन इवन थो ये इतना

अर्लीव सेवन सेंचुरी में एक्सपेंशन शुरू किए जाते हैं पहले पूरे के पूरे अरबियन पेनिशुला को अटैक किया जाता है एंड उसको फिर एक तरीके से यूनाइट कराया जाता है फिर ईरान इराक मैसोपिटामिया होते हुए ये लोग फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को अटैक करते हैं एंड ये जो अटैक का सिलसिला शुरू होता है सेवन सेंचुरी ए से वो धीरे 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 पूरे ईस्टर्न ईस्टर्न रोमन अंपायर वेस्टर्न रोमन अम्पायर को तो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट करा ही जा चुका है फोर्ट सेवेंट सिक्स के आसपास ठीक है तो वहाँ तो अब कुछ बचा ही नहीं है ईस्टर्न रोमन अम्पायर में अचानक से जब इस्लामी रिविजन शुरू होगा तो कॉन्सिक्वेंटली वहाँ अटैक मार जाते हैं अचानक से जितनी भी टेरिटरीज है सारी छीन ली जाती है एंड अल्टीमेटली जो कंस्टेंटिनोपल की सिटी है उसको ऑटोमन्स 1453 में कैप्चर कर लेते हैं ऑटोमन्स एक अंपायर थे जो आप देखेंगे तो अर्ली फिफ्टीन सेंचुरी में इनका उदय होता है उससे पहले भी जो ईस्टर रोमन अम्पायर उसके बहुत सारे इलाके इस्लामिक कंट्रोल में आ चुके थे बस एक सिटी ऑफ कस्टैटिनोपल बचा हुआ था वो फोरटीन में आ जाता है क्योंकि सिटी ऑफ कस्टैंडोपल बहुत ही ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड और सिक्योर था इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी कि, कि किसी नॉर्मल आर्मी के लिए उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था सो दैट वो सनारीमेटली सिटी ऑफ कस्टैटेनापल फिल इन 1453 फिफ्टी थ्री ऑन हैंड्स ऑफ ऑटोमन्स एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा जो एरिया है इजिप्ट का टर्की का इसको पूरा इस्लामाइज किया जाता है एंड क्रिस्टानिटी का नामो निशा खत्म कर दिया जाता है सो so इस तरीके से अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ईस्टर्न रोमन अम्पायर आफ्टर द बाईफर्गेन ये करीब ग्यारह बारह सौ सालों तक चला लेकिन वेस्टर्न रोमन अम्पार एक सौ सालों एक सौ सालों में ही यू नो तबाह हो गया उसके बाद ट्राइब्स आती हैं एंड डिसग्रेट करके फ्यूडिजम आता है वहाँ पर छोटी छोटी ट्राइब्स अलग अलग जगह पर रूल कर रही हैं इससे क्या होता है कि इस्लामी निवजन जब आगे जाएगा तो ये वेस्टर्न यूरोप को भी लपेट लेंगे पूरा का पूरा सो दैट वॉज

सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर होप यू हैव एंडस्ट द कॉन्सेप्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको इस चैप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना देन यू कैन अटर्म द क्विज ग डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर वाइंग